वाह, ये ड्राइंग कितनी खूबसूरत है, मैं ब्लू कलर करती हूँ। हे बच्चे, ये तो अच्छा लग रहा है, मैं मदद करूँ? मैं इस घर में कलर करता हूँ। ओह, अच्छा आइडिया है डैड। क्या हो रहा है? ओह, जरा मुझे भी जगा दो। हे, तुम ये क्या कर रही हो? घर ऑरेंज नहीं है। वो है। बस करो। मॉम, डैड, तुम ये खराब कर रहे हो। ठीक है, बहुत हुआ। तो आ जाओ। तो तुम यही कर सकती हो। तुमने अभी कुछ देखा ही कहाँ है? ये क्या हुआ? हम कहाँ हैं? देखो आपने क्या किया, मेरी ड्राइंग खराब हो गई। कोई बात नहीं हनी, घबराओ मत, हम ये ठीक कर देंगे। मुझे इंस्पिरेशन की जरूरत है, ये देखकर मुझे भूख लग गई। ओह समझ गया, मैं हमेशा तैयारी के साथ आता हूँ। ये कैसा मजाक है? क्या मुझे खाना है? तुम हमेशा पेट से सोचते हो। मॉम कुछ करो। माफ करना हनी, ज्यादा समय नहीं लगेगा। जल्दबाजी में कुछ अच्छा नहीं होता। मैं बोर हो रही हूँ, ये गलत बात है। थोड़ा जल्दी कर दो, एमा उदास है। ये मुझे दो, खुद चावल लेकर आओ। नहीं, देखो तुमने क्या किया। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। चावल हर जगह फैल गए। सर रुको, इससे मुझे एक आइडिया आया। एक पानी के ग्लास में थोड़ा फूड कलरिंग डालेंगे और फिर इसे मिलाएंगे। अब इसमें चावल डालेंगे। अब मुझे एक ग्लू चाहिए, ड्राइंग पर ग्लू लगाएंगे, सिर्फ ग्रास एरिया पर। अब हमें चावल चाहिए और इसे ग्लू पर डाल देंगे। ड्राइंग के अलग अलग पार्ट्स के लिए अलग अलग कलर्स इस्तेमाल करेंगे। अब फालतू के चावल हटा देंगे। वाह, कितना खूबसूरत लग रहा है, तुम्हें कैसा लगा एमा? वाओ, बहुत अच्छा है मॉम, आपने क्या किया डैड? हाँ, तुमने कुछ कहा एमा? रुको, ये क्या हो रहा है? अब एक ही चीज हो सकती है। मैं अपने परिवार के लिए क्या क्या करता हूँ? डैड बुद्धू लग रहे हो। अब ये पूरा नहीं हुआ, मुझे पेपर चाहिए। जरा ये देखो, ये एक सेल्फ पोर्ट्रेट है। है तो बढ़िया, पर ये राउंड मॉम जीतती हैं। थैंक्स स्वीटी, अब तुम्हें कमरा साफ नहीं करना पड़ेगा। वाह, ये मजेदार है। ओह, ये क्या है? जरा उसे देखो। एमा, वो नीचे रख दो। नहीं नहीं। अभी क्या, अभी रुक जाओ। तुम मेरी बात सुन रही हो? ओ, उसकी आंख फड़क रही है, कुछ बुरा होगा। आराम से, ये ट्राई करो। दो मुझे। मेरी टेंशन थोड़ी कम हो रही है। ये बेहतर है, तुम मुझे समझते हो। रुको, मैं ये इस्तेमाल कर सकती हूँ। पहले ट्री बनाएंगे। नेचर अच्छी चीज है, ब्रांचेस और ट्रंक के लिए ब्लैक पेन सही रहेगा। ये अच्छा लग रहा है। अब एक बबल रैप का स्क्वायर लेंगे और इसे पेंट में डिप करेंगे। पिंक और व्हाइट को मिक्स कर लेंगे, इसे ड्राइंग पर डैब करेंगे। ये लीव्स जैसा इम्प्रेशन दे रहा है, कितनी खूबसूरत ट्री है। तुम्हें पसंद आई एमा? उप्स, मैं भी ना। वाह मॉम, ये तो कमाल का है। हे, मैं भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं जानता हूँ क्या करना है। मैं कैसा लग रहा हूँ? कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं एक आर्ट हूँ। क्या सच में? बहुत अच्छे डैड, और विनर है मॉम। दोबारा? वाह क्या बात है, सच में? मैं ये बबल पॉप कर दूं? ये स्मेल कैसी है, पूरी बदबू है और वो बढ़ती जा रही है। मुझे पता होना चाहिए था। क्या हुआ? ये तो नेचुरल है और बहुत अच्छी खुशबू है। मेरे पास एक चीज है, ये इस्तेमाल करो, थोड़ा ज्यादा। ठीक है, अब तुमसे स्मेल नहीं आएगी। शुक्रिया। ये तो वैसे ही है जब हम पहली बार मिले थे। मेरा तो पर्सनल हाइजीन तब भी खराब था। वो बहुत रोमांटिक था, मुझे किस करो? मैं ना तो नहीं कहूँगा। क्या बकवास है? हाँ? ओह हाय हनी, माफ करना। तो अब मैं क्या करूँ? एक मिनट रुको,
लगता है मेरे पास एक आइडिया है। ये सुनो डियर। ये क्या कर रही है? समझ गई, चलो काम पर लग जाए। पहले डिओड्रेंट अलग करेंगे बिल्कुल इसी तरह। अब कंटेनर में पेंट डालेंगे। अब रोलर को वापस लगा देंगे। जब इसे पेपर पर प्रेस करेंगे पेंट निकलेगा जैसे पेंट ब्रश हो, और इससे आर्ट बहुत अच्छा बनेगा। जरा इसे देखो, इसे फ्रेम में होना चाहिए। जरा ये देखो, ये लाजवाब है। हम दोनों ने मेहनत की। वाओ, हम इसे लिविंग रूम में टांग सकते हैं। ये ग्रैंडमा की फोटो की जगह पर आएगा। बस करो, ये टाई है, हम इसके हकदार हैं। अब तो किस कर दो। मुझे नींद आ रही है। एमा, यूहू। बढ़िया मॉम, मैं जरा झपकी ले लूं। देखो, मैं अपनी जीभ से अपनी नाक छू सकता हूँ। देखा, क्या टैलेंट है। तुम ये कर सकते हो, मेरी नजरें तुम पर हैं। अरे वाह, तुम पर पिंक जचता है। मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। बहुत अच्छे डैड, अब आवाज मत करो, मुझे सोना है। मुझे लगा ये काम करेगा। हमने अपनी पूरी कोशिश की। ओह, शैडो पपेट्स कैसे रहेंगे? शैडो पपेट्स अच्छी है ना? अपने पहले क्यों नहीं किया? बहुत मजा आ रहा है। शैडो पपेट्स बना रही हो? इतना भी मुश्किल नहीं है। ओह, मेरे पास एक आइडिया है। हाथ को पेपर पर रखकर इसके आसपास ड्रॉ करेंगे। अब बस डिटेल्स बनानी है, जैसे इसकी आंखें। ये एक ड्रैगन है, अभी ये पूरा नहीं हुआ, इसमें कलर करना होगा। फ्लेम मत भूल जाना। जरा ये देखो। वाओ, मुझे लगा तुम्हें पसंद आएगा। मैं बलून आर्ट ट्राई करने वाली हूँ। ये एक डॉग है। हे, पीछे रहो, भागो यहाँ से। क्या शो है, अब दोनों जीते। देखो, ओ शानदार। मैं चाहती हूँ मेरे बाल खूबसूरत दिखे। मैं समझ गई। पकड़ो। हम इनका क्या करें? मैं ये पेंसिल्स इस्तेमाल कर सकती हूँ, और ये हेयर बैंड्स, शायद ये काम करेगा। दो पेंसिल्स पर हेयर बैंड बांधे, इसे अच्छे से सिक्योर करें। दूसरे कोने पर दूसरी पेंसिल लगाएंगे। हमें ऐसा ही कुछ चाहिए। अब इस कपकेक ड्राइंग पर पेंसिल रखेंगे और ट्रेस करते जाएंगे। दूसरी पेंसिल से इसकी कॉपी बनती जाएगी। जरा इसे देखो, अब बस इसे कलर करना है और लाइंस के बीच ही रहना। ये बहुत अच्छा दिखने वाला है। लो, पूरा हो गया। तुम्हें पसंद आया? ये वाला मेरा है, जरा मुझे भी दिखाओ। वाह, तुम तो बहुत तेज हो। मैं क्या करूं? मैं पेंसिल्स को साथ में जोड़ता हूं और इसे कैटापल्ट जैसे इस्तेमाल करेंगे। ये लो। ध्यान से, रुक जाओ। आउच। आउ। मुझे चक्कर आ रहे हैं। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। बढ़िया शॉट था डैड, और ये है हमारे विनर। बहुत बहुत शुक्रिया हनी। मैं कहाँ हूँ? तुम तो एक जोकर हो। ये क्रेयॉन्स बहुत अच्छे हैं। ये लो मम्मी। क्या फेंका है? मैंने पकड़ लिया। ये बहुत आसान है। मैं थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो गया। ये सब टूटे हुए हैं। गुड लक। कोई बात नहीं, मेरे पास ग्लू है। मैं DIY में माहिर हूँ। ये बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे। चलो ट्राई करें। ऐसे दिखाओ कि कुछ नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मेरे पास एक बैकअप प्लान है। मैं ये इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये कैसा मजाक है? ये काम नहीं करेगा डैड। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, अब एक ही चारा है। हनी, हैमर नीचे रखो। मैं जानता हूँ क्या करना है। एक मिनट रुको, एक बेहतर आइडिया है। इस बटरफ्लाई टेम्पलेट पर मैं चौक को फैला दूंगा। अब इसके ऊपर एक प्लास्टिक शीट रखेंगे,
अब थोड़ी टेंशन कम करेंगे। मेरे हिसाब से इसे आर्ट कहते हैं। हम बाद में बात करेंगे, मैं अपने आर्ट पर फोकस करती हूँ। इतना भी बुरा नहीं है। मेरा भी पूरा हो गया, टेम्पलेट हटा देंगे। ये अच्छा लग रहा है, तुम्हें पसंद आया? या फिर तुम्हें मेरा वाटरमेलन पसंद आया? ओह, ये मुश्किल है, ये टाई हुआ। मुझे चलेगा। बहुत अच्छे, मैं आपको हैरान कर दूंगा। बच्चों, तुम और तुम्हारी टेक्नोलॉजी बिना तुम खुद कुछ भी कर सकते हो। जरा इसे देखो, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। बढ़िया है ना? और सब हो गया, प्यारा सा ज़ेब्रा बन गया। ये तो कमाल है। हाँ, मैं पुराने तरीके से चलती हूँ। मैं इस वॉल को पेंट में डिप करूँगी और फिर पेपर पर प्रेस करूँगी। अब ग्रीन पेंट की बारी। ये रहा स्वादिष्ट एप्पल। अरे वाह, ये तो एक मास्टरपीस है। छोड़ दो ग्रानी, तो ये कैसा लगा? बहुत हुआ। हे रुक जाओ, अब एक चीज हो सकती है। दर्द हो रहा है ग्रानी। क्या, हम कहाँ हैं? अब चैलेंज का वक्त है और आर्टिस्टिक हो जाओ। चलो टेडी। हाँ? ओ, इससे मुझे एक आइडिया आया। अपने हाथ इस्तेमाल करो। बहुत आसान है, मुझे इसके लिए साउंड ट्रैक चाहिए होगा। ये हुई ना बात। मुझे गाना पसंद है। काफी बढ़िया है। ये मूव देखो। ओ हाँ, पॉप एंड लॉक। काफी अच्छी इंस्पिरेशन है। मैं जानता हूँ मैं अपनी ड्राइंग के साथ क्या कर सकता हूँ। पहले हाथ को ट्रेस करूंगा। ये बहुत आसान है। अब डिटेल्स बनाएंगे, सेक्शंस में स्प्लिट कर देंगे और अब बस कलर करना है। लाइंस के अंदर रहना होगा। ये अच्छा लग रहा है, पर अब ये पूरा नहीं हुआ। ये स्नेक देखो कितना अच्छा लग रहा है। हे टीना, ये बन गया। ये ठीक नहीं है। हाँ, लियाम ने पूरा भी कर लिया। जरा रुको, ये कॉली बालों से मुझे एक आइडिया आया। मैं जानती हूँ क्या ड्रॉ करना है, तो चलो शुरू करें। मैं इस तरह हाथ रखूंगी और एक फ्लॉपी टेल बनाएंगे। अब चेहरा बनाएंगे। ये प्यारा दिखना चाहिए। अब इसके कान और लाते। अब इसे कलर करेंगे। चेहरे के लिए येलो कलर सही रहेगा और कानों को ब्राउन कलर करेंगे। फ्लावर के लिए रेड कलर और ये पूरा हो गया। मुझे तो एक ही होगा। ओह, दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, मुझे पसंद आए। बहुत मुश्किल है। तुम्हें क्या लगता है टेडी? हमने डिसाइड कर लिया, आप दोनों जीत गए। बधाई हो। आ जाओ ग्रानी। वो कहाँ है? यही कहीं होना चाहिए। आहा, एक रोज। ये हुई ना बात। अब मैं शुरू करना चाहूंगी। बस बैग में से कुछ निकाल लूं। ये चलेगा। अच्छा आइडिया है, मैं ले लेता हूँ। मेरा पेंट कहाँ चला गया? उन्हें पता भी नहीं चला। मैं कुछ नहीं बोलूंगी। समझ नहीं आ रहा, मैं अभी आती हूँ। मैं क्या इस्तेमाल कर सकती हूँ, सोचना होगा। ये देखो, फल और सब्जियाँ काफी ताजी लग रही हैं। मैं ये ले लेती हूँ और ये, इससे सब ठीक हो जाएगा। हाँ, दोबारा ट्राई करते हैं। हाँ, ये क्या कर रही है? मुझे ड्रैगन फ्रूट का एक स्लाइस चाहिए। शुक्र है मैं नंजा स्कूल गई हूँ। ये क्या? बस होने वाला है। आपको मदद चाहिए? हो गया, ये हो ही जाएगा। अब इसका जूस निकालना होगा। ओह, बढ़िया। वो ठीक कह रही है, सच में अच्छा लग रहा है। मैं भी ट्राई करता हूँ। बहुत टेस्टी है। ओह, ये तो पेपर पर गिर गया। हाँ, इससे मुझे एक आइडिया आया। पेपर पर डॉट्स बनाएंगे इस तरह। ऐसा ही ग्रीन इंक के साथ भी करेंगे। अब अलग अलग कलर्स इस्तेमाल करेंगे जब तक पूरा पेज कवर ना हो जाए। हो गया, अब इस पेज पर टेप लगा देंगे, फालतू का काट देंगे। ये अच्छा दिखना चाहिए। अब इसके ऊपर पेंट करेंगे रोलर ब्रश से। ये एकदम इवन हो जाएगा।
अब इसे सूखने देंगे। सैवरी की बारी है, पहले रूट काटेंगे। इतना काफी होगा। कितनी बढ़िया शेप है। इसे ड्रैगन फ्रूट जूस में डिप करेंगे। एकदम अच्छे से सोख कर लेना चाहिए। अब इसे पेट पर प्रेस करेंगे, एक दो बार और करेंगे। शेप अच्छे से बन गई है, बिल्कुल फूल जैसी। अब स्टेम को ग्रीन पेंट करेंगे। अच्छा लग रहा है। क्या बात है, लो सैलोरी खाओ। एओ, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आप हार नहीं मानने वाली ना। वो ये किसे पसंद है, मैं दोबारा नहीं खाने वाला। आप ये वापस ले लो। बहुत बढ़िया, मेरे दांतों में कुछ फंस गया है। कोई बात नहीं, मैं तैयारी के साथ आता हूँ। ये रही टूथपिक, ये इसे निकाल देगी। अब अच्छा लग रहा है। जरा रुको, मैं ये इस्तेमाल कर सकता हूँ। पेंट को इस तरह टूथपिक से निकालेंगे, इससे नीचे के कलर्स दिखने शुरू होंगे। ब्लैक के सामने कितना वाइब्रेंट लग रहा है, और ये आर्ट बनाने का मजेदार तरीका है। बस हो ही गया। देखो, इसे कहते हैं आर्ट। तुम्हें कैसा लगा टीना? पाओ, पाओ। ओ, हो गया। मुझे तुमसे थोड़ी ज्यादा उम्मीद थी लिया। मतलब ग्रैनी का तो देखो कितना क्रिएटिव है, ये ग्रैनी जीतती है। क्या तुमने सुना, मैंने कर दिखाया। इसे गैलरी में होना चाहिए। ये रहा आपका अगला चैलेंज। मैं समझ गई। रुको, शायद मैं जानता हूँ क्या करना है। मुझे अपने बैग में से कुछ निकालना होगा। इसे टेबल पर ही पलट देता हूँ। वाह, कितना फालतू सामान है। देख लेते हैं, मैं यही तो ढूंढ रहा हूँ। शुक्र है मैंने ये फेंका नहीं था। मुझे रैपर नहीं चाहिए, मैं ये मजे से खाऊंगा। रुको, इससे मुझे एक आइडिया आया, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। तुम ये क्या कर रहे हो, मेरे बैग में भी तो कुछ होगा। मैं इमरजेंसी के लिए हर चीज रखती हूँ। पता नहीं कब काम आ जाए, पास से देखते हैं। रानी, ऐसे करके देखो। ओह थैंक्स डियर। मैं शुरू करता हूँ। रेनबो के हिसाब से गमी लगानी होगी। पर्पल नहीं है। ओह मेरी गम। नहीं, ये नहीं चलेगा। आहा, ये बढ़िया है। एओ, बदबू बहुत बुरी है। मैं इसे स्मूथ कर देता हूँ और इसे रेनबो के नीचे लगा देंगे। तो तुम यही कर सकते हो। मैं क्या ढूंढ रही हूँ, ये कॉइन्स का बैग। मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है। मैं रेनबो के हिसाब से अपनी पेंस अरेंज करूंगी। अब इन्हें ग्लू से साथ में जोड़ देंगे। अब इसके सेट होने का इंतजार करेंगे और फिर ड्रॉ करेंगे पूरे पेज पर। और इतनी जल्दी ही एक रेनबो बन गया। चलो थोड़ा जल्दी करें। मैंने प्लास्टिक वॉलेट पर एक और रेनबो बनाया है। वॉलेट में एक ब्लैंक पेपर रखें। अब रेनबो को इसके अंदर रखें। जब हम पेपर निकालेंगे तो रेनबो नजर आएगा। कितना बढ़िया है ना? आइडिया बहुत अच्छा है। देखो लिया। वाह, कमाल कर दिया। ये मेरे गमार्ड से तो काफी बेहतर है। पर मैंने अपनी पूरी कोशिश की। ओह मेरा पॉपेट। इससे मुझे अच्छा लगेगा। या फिर मैं जानता हूँ क्या करना है। एक ग्लास में क्रेयॉन्स रखेंगे। अब इसे मेल्ट करेंगे। ध्यान रखना होगा क्योंकि ये गर्म है। अब इसे पॉपिट में डाल देंगे। सारी रोज को भरेंगे। अब इसे सेट होने देंगे। इसे पीसेस में तोड़ लेंगे। अगर इसे पेज पर इस तरह स्लाइड करें तो रेनबो बन जाएगा। मुझे बहुत पसंद आया। कितना अच्छा है ना? मैं जादू की तरह ये रेनबो ला रही हूँ। वाह, देखो तुम्हें ये दिखा, और अब ये नहीं है। मेरे पास रेनबो क्रेयॉन्स है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मुझे ये डील पक्की चाहिए। थोड़ी रिश्वत दे देता हूँ। ओह गम, ये मेरी तरफ से तोहफा है। ओह वाह, शुक्रिया लियाम, तुम सबसे अच्छे हो। लियाम जीत गया। ये कैसा मजाक है। ओह ये गलत बात है। अगले राउंड के लिए तैयार हो? तो ये रही इंस्पिरेशन, गूगली आईज। चलो बनाओ। ठीक है स्वीटी। आओ, मेरा पेट। मैं अभी आता हूँ। ग्रैनी, ये मुझे बोलना अच्छा नहीं लग रहा। कोई बात नहीं स्वीटी, ग्रैनी तुम्हारी मदद करेंगी। आपने इतना सोचा वही बहुत है। ये बेहतर है। गुड लक हनी, ऐसे समय में तो जाना ही पड़ता है। यहाँ और क्या है? ये प्लेट काम आएगी। मुझे कुछ और भी चाहिए। आहा,
और एक ब्रश। मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है, ये येलो पेंट बहुत ब्राइट है। आ, आ, अच्छा। हाँ, अब बेहतर लग रहा है। ये क्या, मैंने पेंट गिरा दिया। ओह नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ सोचना होगा। जरा रुको, शायद मैं टॉयलेट रोल ट्यूब इस्तेमाल कर सकती हूँ और मुझे इसमें कुछ बदलाव करने होंगे। पहले ट्यूब के साथ छोटे कट्स लगाएंगे, बिल्कुल इस तरह पूरी ट्यूब पर। अब इसे पेंट में डिप करेंगे, इससे पेंट फैल जाएगा। अब इसमें पेपर लगाएंगे और चेहरा बनाएंगे। ये फिश है, इसे यहाँ रखते हैं। मैंने क्या खाया था, क्या फर्क पड़ता है, अब मुझे बेहतर लग रहा है। अब मैं प्लेट इस्तेमाल कर सकती हूँ। पहले इसे ब्लू कलर करेंगे और कोनों पर ग्लू लगाएंगे। अब इस पर कार्ड चिपका देंगे, इसकी ट्रंक और गूगली आईज। कितना प्यारा एलिफेंट है, ऐसा लग रहा है मैं सफारी पर हूँ। हे टीना, जरा ये देखो। मैं वापस आ गया, मैंने कुछ मिस तो नहीं किया? ये मैं ही हूँ। आपने ऐसा क्यों किया, मैं डर गया था। जरा रुको, ये कहाँ से आया, मुझे कोई परेशानी नहीं है। हमने कर लिया टीना। वाओ, एक एलिफेंट, बहुत अच्छा है ग्रैनी। ओ प्यारी सी फिशी, मुझे ग्रैनी का ज्यादा अच्छा लगा। वो हो, ये मेरे क्रश के लिए मेरा प्यार है, उम्मीद है उसे पसंद आए। तो ये लो। कैसे हो डेविड? बढ़िया, किसने मुझे क्या लिखा। हाँ, मैं भी कुछ करना चाहूंगा। तुम ही मेरा प्यार हो, देखते हैं। गो, मेरे बुक्स। माफ कर दो, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। कितना सॉफ्ट है। मेरी बुक्स। हाँ तो हाँ, थैंक यू। लगता है मुझे प्यार हो गया। रुको, मैं जरा उसे देख लूं। हाँ, ये लड़का मेरा कुछ तो लगता है। मैं यही लिखता हूँ, मैं उसे याद दिलाऊंगा जब हमने पहली बार एक दूसरे को देखा था। बस बन ही गया, बढ़िया। वाह, मुझे याद है, तुम कितने प्यारे हो। लव यू बेबी। आर्ट प्रोजेक्ट के लिए तैयारी करना भी जरूरी है। सब आ गया। चुभियो, अब इसे एक आर्ट में बदलें। पहला स्ट्रोक हमेशा अच्छा लगता है। थोड़ा सा ब्लू यहाँ करेंगे, काफी बढ़िया लग रहा है। या फिर नहीं, ये क्या बकवास है। नहीं, शुक्र है मेरे पास और पेपर है। ओह स्मूथ, ये तो पहले वाले से भी बुरा है। ओह, चलो अब फोकस करो। ये क्या मजाक है, मैं फ्लावर नहीं बना पा रहा। ठीक है, शांत रहो, गहरी सांस लो, मैं कर सकता हूँ, मैं कर दिखाऊंगा। तो चलो आराम से, आराम से। अच्छू, हाँ ये तो बुरा हुआ। एक मिनट रुको, कितनी बढ़िया शेप है। मैं इसका कुछ कर सकता हूँ, पेंट ब्रश को अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करने से कुछ अलग ही डिजाइन बन सकता है। और हम बनाएंगे पेटल्स। जब ये पूरा बन जाए तो ग्रीन कलर से लीव्स बनाएं। देखो ये कितना अच्छा लग रहा है, इन्हें थोड़ा लंबा बनाना है। इन्हें साथ में भी जोड़ सकते हैं, इससे अच्छे से फिल हो जाएगा। मैं जानता था मैं ये कर सकता हूँ। वाह, तुमने खुद बनाया है। तुम देखो ना एनी,
मेरे पास करने के लिए और भी कुछ है और इस बार मैं एक अलग अप्रोच इस्तेमाल करूंगा, पर हमारा थीम वही रहेगा। देखा, इन स्ट्रोक्स के साथ लीव्स बिल्कुल असली लग रही हैं। इन्हें आराम से बनाएं। आप ग्रास भी बना सकते हैं, देखें। अगला हिस्सा थोड़ा सा मुश्किल होगा। इस तरह के पॉपी पेंट इस्तेमाल करेंगे ताकि मजेदार टेक्सचर्स बन सके एक बलून के साथ। कितना सैटिस्फाइंग था ना? अब इसे स्टैम्प की तरह इस्तेमाल करें और आपको मिलेंगे मजेदार और एकदम अनोखे फूल। ये मत भूल जाना, कूल है ना? शानदार, तुम्हें कैसा लगा? डेविड, तुमने कैसे बनाया? मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट ये है। ओह, ये पिक्चर कितनी अच्छी है, इसे फ्रेम कर लेना चाहिए। और यही क्यों रुकना, मुझे इंस्पिरेशन चाहिए। ठीक है, तो तुमने क्या कहा? ओह, सुजन, तुम बहुत बुरी हो। समझ नहीं आ रहा। एक्सक्यूज मी, मेरा पेपर। मेरी गलती है। ओप्स, देखो आपने क्या किया, अब ये खराब हो गया। Hey, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं? कभी कुछ ऐसा देखा है जो गलती से अच्छा बन जाए? Wow. मैं? हाँ, अलग अलग साइज के भी कर सकते हैं। कमाल है, तो ठीक है। यहाँ पर कितने फिट आ जाएंगे? जितने ज्यादा तुम चाहो। बहुत मजा आ रहा है। तुम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, बस वो सर्कुलर होना चाहिए। क्या हमने कर लिया? कितना कूल लग रहा है ना? क्या बात है, मेरा प्यारा आर्टिस्ट। ठीक है, ये जगह ठीक लगती है। हाँ, यही तो चाहिए, पेड़ और नेचर। तो शुरू करते हैं। बिल्कुल। समझ नहीं आ रहा। क्या? हे, इस तरफ नजर मत डालो। जो भी हो, ठीक है, तो मैं यही रहूंगा। मैं क्या पेंट करूं? बिंगो, वो कितना प्यारा है। बस डेविड उसे ना देख ले। मैंने वो पहले देखा। हाँ, जो सबसे अच्छा बर्ड पेंटर होगा वही जीतेगा। बस पहले कुछ सर्कल्स बनाएंगे, हमें लाइंस का ख्याल रखना होगा। बढ़िया है ना? थोड़ा कलर करते हैं, ये उभर कर आएगा। येलो कलर अच्छा रहेगा, है ना? और ये इस पर जरूर जचेगा। और अब थोड़ा ग्रीन करें, साथ में कितना अच्छा लग रहा है। अब ब्लू कर देंगे तो और अच्छा लगेगा। पहले कोनों पर कर लेते हैं, ये सही रहता है, इससे ये आसान भी हो जाएगा, है ना? बस हो ही गया, बस कुछ फिनिशिंग टचेस। और ये ऐसे किया जाता है दोस्तों, एक असली मास्टरपीस। कैसा लगा? हाँ, मुझे पसंद आया। ये क्या है? मुझे अपने हाथ की जरूरत थी और हमें बस यही इस्तेमाल करना है। खैर, बस डॉट्स और लाइंस के लिए इतना ही काफी है। आपने बर्ड का चेहरा देखा, आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। और अब यहाँ पर ब्रांचेस बनाएंगे। और प्यारे प्यारे छोटे पैर। थोड़ा ग्रीन कलर करेंगे, वो अच्छा लगेगा। अब दिख रहा है बर्ड। मैं कितनी क्रिएटिव हूँ ना? खैर, तुम देखना ही चाहते हो तो देखो। ओह,
ये दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। हम टीचर से पूछें। सच में बस वो ठीक हूँ। वो गहरी नींद में सो रहे हैं। हे! ओ, हो गया। ओ, बहुत अच्छे। अब बस मुझे 5 मिनट देना। हाँ तो ठीक है, मैं कुछ हैरान कर देने वाला बनाना चाहती हूँ और मुझे पता है क्या करना है। कॉम्प्लीमेंट में ह्यूज बनाएंगे, पर अभी भी कुछ मिसिंग है। पर क्या? ओह, बॉल बहुत छोटी है। वो क्या कमाल की चीज है मॉम। हाँ अभी नहीं, ठीक है। आपके पास अभी पेंट बचा है तो फिर मैं इससे खेल सकता हूँ। थैंक यू। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। हाँ मैं जरा ये ट्राई करती हूँ। हे, मेरी पेंट पैलेट कहाँ चली गई? डेविड, वो तुमने ली? एक्सक्यूज मी, देखो मैंने ये बनाया। मैं इसे कहूंगा पॉन्ड वाटर। हाँ समझ गए, तुम्हें फेस पेंट करना है। ट्राई करो डेविड। वो दोबारा मजेदार है ना? हाँ बिल्कुल है ना। अगर मैं फिंगर से करूँ तो ये देखो अब ब्लू डॉट्स आएंगे। और अब मेरा फेवरेट कलर, हो गया। देखो मॉम। खैर ये तो शानदार है, पर एक और ट्रिक ट्राई करते हैं। सिमेट्री भी खूबसूरत लगती है, और ये बात प्रूव करने के लिए हम ये आपके सामने बनाएंगे। कितनी खूबसूरत बटरफ्लाई है। इस लाइन से इसमें जान आ जाएगी और विंग्स की आउटलाइन करेंगे। दूसरी साइड भी हो गया। देखो ये कितना प्यारा है, और अभी तो ये शुरुआत है बेटे। ये भी एक कुदरत का करिश्मा है। ये व्यूज कितने जबरदस्त हैं। और पेंट ब्रश हाथ में आ जाए तो मैं एक जीनियस हूँ। कभी कभी मैं खुद को ही हैरान कर देता हूँ। ओह क्रिस को देखो। येलो, तो तुम यही कर सकते हो। वो कितना खुश है। तुम्हें कहा था? हाँ मैं ब्रश इस्तेमाल कर रहा था। डैड क्या कर रहे हैं? जरा वो देखो, वो तो माइस्ट्रो है। ये बहुत सुंदर है। ये तो शुरुआत है। मुझे नहीं पता वो क्या होता है, पर बनाते रहो डैड। नहीं, ये कैसे हो सकता है? बहुत बुरा हुआ, अब इसे कचरे में फेंकना होगा। मैं क्या सोच रहा था? मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं कुछ भी सोचता हूँ। Hey डैड, मैं आपका पेंट देख सकता हूँ? Hey दोस्त, चलो दोबारा ट्राई करते हैं। आप कर लोगे डैड। Hey, और पेंट भी है, मैं अपना खुद का भी आर्ट बना सकता हूँ। बहुत कूल बनेगा, मैं जरूर बनाऊंगा। दोबारा नहीं। तुम ये क्या कर रहे हो क्रिस? ये क्या, क्या ये स्पंज है? तुम तो बहुत तेज हो, मेरी पेंटिंग से काफी बेहतर है। लेकिन मैं इसे यहाँ रख देता हूँ और ऐसे दिखाएंगे कि ये मेरा है। चलो अब सब ठीक है और शुरू करते हैं। ओह हाँ, ये हुई ना बात। अब कर सकते हैं डैड। वाह, ये पूरा हुआ। आपको कैसा लगा? रात को माउंटेन जैसे दिखते हैं। सच में मैं हार मानता हूँ। तुम ये कैसे कर सकते हो? तो आपको पसंद आया? मैं आपको दिखाता हूँ। पहले एक खाली पेपर लो, अब एक पेंट की ट्यूब लो। ये मजेदार है, इसे पेपर पर निकालेंगे। ज्यादा नहीं चाहिए, बस पेपर पर पेंट की छोटी छोटी ड्रॉप्स डालेंगे इस तरह। थोड़ी और चाहिए, मैं व्हाइट पेंट भी लगाऊंगा। इतना काफी है। अब मुझे अपना पेंट ब्रश चाहिए। पेंट को ब्रश करेंगे, छोटे छोटे इवन स्ट्रोक्स बनाएंगे और कलर्स को मिक्स होने देंगे। मस्ती करो, पूरे पेपर को ऐसे कवर कर लेंगे। बस हो ही गया। अब स्पंज की बारी, इसे पेंट के ऊपर डैप करेंगे। छोटे छोटे सेक्शंस बनाते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा प्रेशर डालेंगे।
और भी है, मुझे एक स्पंज और स्टेंसिल चाहिए। मैंने इस स्टेंसिल को माउंटेन रेंज की शेप दी है। इसे पेपर के ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर पेंट डैप करेंगे। आप अलग अलग शेड्स और कलर्स इस्तेमाल कर सकते हो। इससे हम पेंटिंग की डेप्थ बना सकते हैं। ऊपर की तरफ लाइट पेंट इस्तेमाल करें और नीचे की तरफ डार्क पेंट। ऐसा लग रहा है कि माउंटेन्स दूर दूर है। जी हाँ, ये पूरा हुआ। आपको ये ट्राई करना चाहिए। ये तो कमाल है। रुको, मैं इंस्पायर हो गया हूँ। जरा यही रुको। तो तुम इसके लिए तैयार हो? मैं हमेशा से तैयार हूँ। ये देखो, तो शुरू करते हैं। बढ़िया, तैयार हो? चलो, पेंट वर्सेस पेंसिल, कौन जीतेगा? मेरा पूरा हुआ, बढ़िया है ना? ये मेरी कोशिश थी, मैंने इसके एसेंस कैप्चर किए हैं। हाँ, हम आर्ट में बिल्कुल अच्छे नहीं है। वो जरा वो देखो। ओह यस, वाह, ये क्या था? ओह, मैं समझ गया, तुम्हारी सोच अच्छी है। चलो मॉम की ड्राइंग बनाएं। हाँ, लगता है अच्छी बनेगी। बहुत जबरदस्त। कैसा चल रहा है? मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये मुश्किल है। जरा रुको, मेरे पास एक आइडिया है, पर मुझे क्रिस के ईयरबड चाहिए। स्निप स्निप, हिलना मत। मिल गया, ये परफेक्ट है। इसे यहाँ रख देते हैं। अब इसमें से लाइंस बनाएंगे, बिल्कुल हेयर ड्रायर की तरह। ये बकवास है, मैं नहीं कर सकता। हाँ, मैं टेप इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसे पेपर पर लगाएंगे और इसके आसपास ड्रॉ करेंगे। ये आसान था। अब नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे, दूसरी साइड पर भी ऐसा ही करेंगे। अब इन्हें साथ में जोड़ देंगे। अब मैं इसका चेहरा बनाऊंगा, इसका नाक और इसकी आंखें और बाल भी। अब इसकी लाइंस बनाएंगे ताकि ये भारी दिखे। बालों की डिटेल्स बनाते जाएंगे। जब हम इसे स्केच कर लेंगे तो एक बार दोबारा आउटलाइन करेंगे। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चलो बॉडी बनाएं। मुझे ये अच्छा लग रहा है। चलो अब कलर करें। पिंक बहुत ब्राइट है। बाल के सारे सेक्शन फिल करेंगे। अब बॉडी को कलर करते हैं। ये क्या कर रहे हैं बॉयज? मैं जाकर देखती हूँ वहाँ क्या हो रहा है। ओह हे मॉम, ये देखो, ये आप हो। लगता है आपको ये पसंद आएगा। कम से कम ये आपकी तरह दिखती है। मेरी ड्राइंग सबसे अच्छी है ना? रुको, ये मेरा ईयरबड है। मॉम, काश मैं इनसे पूछती ही ना। मैं जा रही हूँ। मॉम, वाह, शानदार, बहुत मेहनत का काम है। मुझे ये नहीं चाहिए, अब इंक चाहिए। ओह, पसीना मेरी आंखों में जा रहा है। पर हमें ये बनाना होगा। मैं कुछ खास बना रहा हूँ। ओह हाँ, बढ़िया लग रहा है। मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। ये एक मास्टरपीस है। बस पसीने का दुख है। थोड़ा और, ये हो गया। हाँ ये बहुत है, मैं इसे बाद के लिए रख लेता हूँ। मैं डैड को दिखाना चाहता हूँ। हे डैड, ये देखो। ये मत करो। माफ करना, मैं भूल गया था, आप बहुत जल्दी डर जाते हो। मेरा दिल बैठ गया था। क्या है, आपको गर्मी लग रही है? मुझे बहुत लग रही है। आपको मेरा आर्टवर्क पसंद आया? ओह नहीं, बहुत बेकार है, मुझे अच्छा नहीं लगा। कुछ लोग बिल्कुल नाशुक्रे होते हैं। मुझे कुछ पीना है। तुम बिल्कुल गीले हो गए हो। जरा रुको, मेरे पास एक आइडिया है, मैं अभी आता हूँ। क्या है डैड? मुझे एक ग्लास चाहिए। किस लिए? मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हैट उतारो और मुझे पसीना दो। डैड, ओह हाँ, ये हुई ना बात। आप ये क्या कर रहे हो? ये देखो, मुझे ये ड्रॉपर चाहिए। इसमें हम पसीना भरेंगे, पर तुम पानी इस्तेमाल कर सकते हो। रुको, मैं भूल ही गया था। ये बहुत गंदा है डैड। मुझे एक प्लास्टिक रैप चाहिए होगा। पेपर पर प्लास्टिक रैप लगाएंगे और स्मूथ कर लेंगे। अब एक पेन लेंगे और प्लास्टिक के ऊपर सीधा ड्रॉ करेंगे। इसे पूरे प्लास्टिक पर करेंगे और कलर्स बदल लेते हैं। प्लास्टिक पर रैंडम लाइंस बनाएंगे। इसे अच्छे से कवर कर लेंगे, कोई जगह नहीं छूटनी चाहिए। हाँ अब ये अच्छा लग रहा है, ये मैं ले लेता हूँ। अब इस पर पसीना गिराएंगे थोड़ी जगह छोड़कर और पूरे पेपर पर लाइंस बनाएंगे इस तरह। हाँ
अब अगले स्टेज पर चलते हैं। प्लास्टिक की इंक वाली साइड हम पेपर के ऊपर लगाएंगे और अब इसे पैक कर लेंगे एकदम आराम से और कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ देंगे। अब प्लास्टिक को उठाएंगे और जब ये सूख जाए तो एक पेन लेंगे और पेपर के ऊपर इस तरह लाइन ड्रॉ करेंगे। मेरे दिमाग में एक चीज है, ये जादू ही दिखेगा और मेरी ड्रॉइंग पूरी होते ही हमें मिलेगा एक सुंदर यूनिकॉर्न। वाह, ये कमाल है, मुझे पसंद आया, ये सब मैंने ही बनाया है। वाह, वो तो मैं हूँ ही, ये सब मेरे पसीने से हुआ, मैं कितना टैलेंटेड हूँ। ठीक है मिस्टर आर्टिस्ट, मुझे ड्रॉ करना सिखाओ, शुरू करते हैं। आज हम ये प्यारा सा बच्चा बनाएंगे, चलो इसे बनाने की कोशिश करो। ठीक है, पहले बॉडी बनाएंगे। मुश्किल है, ये इतनी आसानी से कैसे बनाता है। अब इसकी लेग्स, ये बेकार बनी है, बहुत गंदी, ये पिग जैसा नहीं लग रहा। रुको, ये क्या चीज है, मैं मदद करता हूँ। ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये गलत बात है, मैं तो बस पिग बनाना चाहता हूँ, मैं नहीं बना सकता, मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। सबके साथ ऐसा होता है बच्चे, यही जिंदगी है। जरा रुको, ये क्या कर रहा है, वो तो इसके ऊपर रो रहा है। एक सेकंड रुको, इससे मुझे एक आइडिया आया, ये कलर परफेक्ट रहेगा। भरोसा रखो, मैं इस पिगी को बदलने वाला हूँ। मैं क्या गलत कर रहा हूँ, इसमें पानी काम आएगा, इस पर ब्रश डैप करेंगे। हे बच्चे, रोना बंद करो, ये देखो। ये क्या है, क्या वो शानदार, मेरे पास पिग है। ओ ये, ये तो मेरा फर्स्ट था, बहुत क्यूट है। ओइंक ओइंक, मुझे बस एक DIY करना है। ये ठीक नहीं है, ये इसमें जा नहीं रहा, मेरी मदद कर दो जैस्मिन। खैर कर ही देती हूँ, बहुत जबरदस्त होगा। हाँ इसे क्या हो गया है, ये देखो। वो ये बस एक ड्राइंग थी। हे, ये क्या हो रहा है, ये किसके कपड़े हैं? मैं अच्छा लग रहा हूँ। वाह हाँ ये बहुत क्यूट है, जरा वहाँ देखो। हेलो माय लवलीज, ड्राइंग चैलेंज में तुम्हारा स्वागत है। वो कहाँ चले गए, खैर अब हम आराम कर सकते हैं। मेरा फेवरेट सोडा, बढ़िया, मैं ये पीने वाला हूँ। क्या स्वाद है। hey, तुम क्या कर रहे हो, एक नंबर चुनो। मुझे माफ करना, चलो हमारे पास पूरा दिन नहीं है, मैं चुनता हूँ नंबर 3, बहुत अच्छी चॉइस है। स्नोफ्लेक, रुको, क्या टाइम के हिसाब से होगा, हमें शुरू करना चाहिए। मजा आएगा, पहले मैं एक बेसिक सी शेप बनाऊंगी, फिर उसकी डिटेल्स बनाएंगे। हाँ अब अगले की बारी, मैं एक बेसिक से ही शेप बनाऊंगी और बीच में zigzags बनाएंगे, अच्छा लग रहा है। हाँ और अब क्या, इसके अंदर थोड़ी और डिटेल्स, कोई भी स्नोफ्लेक एक जैसी नहीं होती। मुझे बहुत अच्छी लगी, देखते हैं जस्टिन क्या कर रहा है। मैं ध्यान लगा रहा हूँ, टाइम खत्म हो गया है, जरा रुको, हो गया। उप्स, ये गलती से हुआ है, मुझे माफ कर दो। ये तो गिरता जा रहा है, नहीं मेरी ड्राइंग खराब हो गई, मुझे माफ कर दो। तुम्हें ध्यान देना चाहिए। हे जरा उसे देखो, कुछ हो रहा है, मैं इसे उड़ा देती हूँ। वो क्यों, ये क्या हो रहा है। जस्टिन तुम कहाँ हो। उप्स, बहुत ठंड है, तुम्हें ठंड लग रही है। मैं कहाँ हूँ, मुझे क्या पता, मैं तो यहाँ सालों से फंसा हूँ, मुझे ठंड लग जाएगी, मुझे मिल सकता है। एक मिनट रुको, बिगफुट, एक इंसान, तुम मानोगे नहीं अभी क्या हुआ, मैं बाहर दोबारा नहीं जाऊंगा। थैंक्स, बहुत ठंड है। खैर इससे तुम्हें सबक मिला, मुझे अपना चेहरा महसूस नहीं हो रहा। अगले चैलेंज की बारी, चलो एक नंबर चुनो, इससे पता करें। मैं जीत गई, नंबर 1।
देखते हैं नंबर वन के पीछे क्या है। कितनी सुंदर ड्रेस है। ओह, मुझे पसंद आए। मैं कर सकता हूँ। मुझे बस ये पेंसिल्स चाहिए। ये आइडिया बहुत अच्छा है। मुझे ड्रेसेस डिजाइन करनी चाहिए। तुम्हें शांत होना चाहिए। ओह हाँ। गुड लक। पता नहीं ये काम करेगा भी या नहीं। ये लेटेस्ट फैशन ट्रेंड है। हाँ बिल्कुल। तो ये राउंड में हार जाऊंगा। ओह टेबल, क्या गड़बड़ है। लगता है अब मैं गया। मुझे इसे साफ करना होगा। ये निकल नहीं रहा। जोर से करो। ओह एक मिनट रुको, ये गया। एकदम नए जैसा हो गया। ये मुझे दो। मेरे पास एक आइडिया है। मैं ड्राइंग के ऊपर टेम्पलेट रखूंगी। अब इस पर पेंट डैब करेंगे। नीचे जाते जाते अलग अलग कलर्स करेंगे, जैसे रेनबो में होते हैं। बहुत अच्छा दिखेगा। बस हो ही गया। अब टेम्पलेट हटाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने क्योर करवाना होगा। ओ रुको, तुम्हारा हो गया। आपको अच्छा लगेगा। मेरी ड्राइंग गुम हो गई। ये राउंड जैस्मिन जीतती है। बिल्कुल अच्छी है, मैं पहनूंगा। इस बार पता नहीं क्या होगा। नंबर चुनो। 3, 1, 3, 1, 1 नहीं चलेगा। ना तुम्हारी ना मेरी। 2 ठीक है। ये ठीक ही है। नंबर 2 दिखाओ तुम कौन हो। वाओ, एक क्यूट फ्लफी शेप। तुम्हारा समय शुरू होता है। मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। शुरू करना होगा। तुमने पेंस चुरा लिए। ये क्या है। एयू, तुम जल रहे हो। बिल्कुल बहुत हुआ। ये बिल्कुल ठीक है। अब देखो, तुम्हें मैजिक पसंद है। ये बच्चों वाला खेल है ना। हैरान होने के लिए तैयार हो जाओ। क्या वो मेरे पैसे हैं? तुम्हारे पास बस यही है। ये तो बहुत छोटा है। मैं जानता हूँ ये यहाँ कैसे आ गया। मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा, मुझे यही तो चाहिए। कॉइन को पेपर पर रखेंगे। अब इसके आसपास एम बनाएंगे। हाँ, अब कॉइन हटा देंगे। अब चेहरा बनाएंगे। ये बुरा नहीं है। अब बस आखिरी के टचेस बाकी हैं। और हो गया। बहुत हुआ, टाइम खत्म हुआ। चलो अपना काम दिखाओ। मान लो ये बहुत प्यारा है। ठीक ही है। हे, तुम कहाँ जा रहे हो? वापस आ जाओ। मैं जीत गया है ना? हाँ जस्टिन, तुम जीत गए। बहुत अच्छे। मुझे पेंटिंग पसंद है, बहुत मजा आता है। और मेरे पास सबसे अच्छे मॉडल्स हैं। तुम कितने अच्छे हो। हे, ध्यान दो, नंबर चुनो। ये मैं बाद में करूंगा। हम तैयार हैं। तो चलो। मुझे लगता है ये मुश्किल है। तुम्हें क्या लगता है। मैं जानता हूँ कैसे करना है। हम डाइस को रोल करेंगे। नंबर 5। ठीक है तो करो। 5। ओह क्या चुना है। ओह वाइल्ड लाइफ ड्राइंग, ये ट्रिकी है। ओह मुझे बहुत पसंद है। मुझे खास पेंस की जरूरत है। ये कहाँ से आए। ये चीटिंग नहीं है। मेरी पेंसिल बहुत बोरिंग है और ये शार्प भी नहीं है। शुक्र है मेरे पास ये ओवरसाइज्ड कॉमेडी पेंसिल शार्पनर है। मैंने कुछ ज्यादा ही शार्प कर दिया है। ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब मैं क्या करूँगा। ओह मैं ये चोरी कर सकता हूँ। मैं पेन बोरो कर सकता हूँ। और ड्राइंग के लिए ये कैंची काम आएगी। इसके आसपास ड्रॉ करो। थोड़ा सा ऊपर करेंगे और अब हैंडल के ऊपर ड्रॉ करेंगे। अब इसे उल्टा कर देते हैं। ये ठीक है। और अब डिटेल्स की बारी। आईज से शुरू करेंगे।
अब इसका नाक और इसका मुंह। ठीक है, अब इसकी मेन की बारी। ऐसे ड्रॉ करना सही रहेगा। अब इसका सर कलर करेंगे। पहले कानों से शुरू करेंगे और फिर इसका मुंह। नाक के लिए पिंक इस्तेमाल करेंगे। लगता है बस हो ही गया, मैं इसकी जीत तो भूल ही गया। लो, ये है जंगल का किंग। ये रोर करता है, समझे? बहुत अच्छा है, ये रही मेरी ड्राइंग। बहुत अच्छी, विजेता चुनना मुश्किल है। ये टाई हुआ। वो, ये सही हुआ। हे जैस्मिन, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, उम्मीद है तुम्हें पसंद आए। खुशबू बहुत अच्छी है। ओह थैंक्स, तुम कितने प्यारे हो। तुम भी तो प्यारी हो। ये बहुत सुंदर है। हे रोमियो और जूलियट, इधर ध्यान दो, अभी भी एक नंबर बाकी है। फाइव। वन। फाइव और वन हुआ सिक्स। सिक्स प्लीज। ठीक है, नंबर सिक्स। ओह, अच्छी चॉइस है। लगता है टाइम खत्म हुआ। बाय। तुम्हारा क्या मतलब है? हे, हम क्लासरूम में वापस आ गए। फिर? शांत हो जाओ, क्लास में बातें नहीं करनी। कम से कम हमने मस्ती की। अपनी बात को आर्ट से समझाने से बेहतर और क्या होगा? इससे हमें इंस्पिरेशन मिल सकती है, इमोजीज में भी। तो चलो कुछ इमोजीज को जोड़कर हम खुद एक आर्ट बनाएं। पहले आउटलाइन से शुरू करेंगे, अब सर्कल पूरा करेंगे, अब कलर करते हैं। येलो परफेक्ट रहेगा। अब लव हार्ट्स को फिल करेंगे। टूटा हुआ दिल किसी को पसंद नहीं होता, चाहे इमोजी रो रहा हो। अब इसके आंसुओं को कलर करेंगे। ओह कितना उदास है, मैं इमोशनल हो रही हूँ। आँखों और मुंह को ब्लैक इंक से कलर करेंगे। अब फाइनल डिटेल्स की बारी। इस व्हाइट पेन से लाइट के रिफ्लेक्शंस बनेंगी। अच्छा लग रहा है। और उसके बाद वो खुशी खुशी रहे। ये क्या कर रही हो? मैं स्टोरी सुन रहा हूँ। तुम तो नर्ड हो। लूना, उसे मारना बंद करो और सप्लाइज निकालो। वो, ये मेरे लिए है। तो मेरा कहाँ है? वो, इन आर्ट सप्लाइज को तो देखो। ये कैसा मजाक है? मजा आ गया। हटो भी। तुम्हें मॉडल चाहिए, ये प्यारी सी कैट काम आएगी। ये परफेक्ट है। ओ, कितनी प्यारी है। मैं इसे बनाने के लिए तैयार हूँ। कौन सा ब्रश चुनूं? मुझे ड्रॉ करने के लिए कुछ चाहिए। ये क्रेयॉन्स ठीक रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, इन्हें वापस रखो। अब परेशानी होगी। मैं इसकी जगह पेन इस्तेमाल कर लूं? बहुत सारी चॉइसेस हैं। मुझे गुस्सा आ रहा है। रुको, एक आइडिया है, बस थोड़ी तेजी से काम करना होगा। थोड़ा सा और। हाँ? थोड़ा चालाकी से करना होगा। यही मौका है। मिल गए। हाँ, तुम इतने भी स्मार्ट नहीं हो। मैं इनका क्या करूं? कम से कम पेन मिल गया, तो शुरू करते हैं। पहले एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और एक बड़ा सा थ्री। बिल्कुल इसी तरह अब कैट के कान बनाएंगे और थोड़े विस्कर्स। आखिर में एक लंबी सी कर्वी टेल। अब कलर करते हैं। ये अच्छा लग रहा है। आईज और नोज बनाएंगे। मैं कैट की स्ट्राइप्स बना देती हूँ और इसे डार्क करेंगे। इसकी चीक्स रोजी होने चाहिए। क्यूट लग रहा है ना? आसान था। हे, तुम्हें पता है ना मेरा हो गया? ओह नहीं, मैं प्रेशर में काम नहीं कर पाता, जल्दी करना होगा। टाडा! विनर तो ऑब्वियस है। जज मैं हूँ और विनर है लूना। हाँ, मैं जानती थी। वुहू! हे, तो मैं क्या जीती? रुको, कुछ अलग है। वाह! जरा उसे देखो। मेरी पूंछ से अपना हाथ हटाओ। तुम कितनी मतलबी किटी हो, तभी मुझे डॉग्स पसंद है। मैं इसे खोलूंगी। बिल्कुल नहीं, मुझे विश्वास नहीं है। वहाँ देखो। क्या? कुछ दिख नहीं रहा? तुम फंस गई। ये तो बहुत पुरानी ट्रिक है। हाँ, वो कहाँ चला गया? नजर हटी, दुर्घटना घटी। ओह पेंट, ये मजेदार होगा।
ओ, चलो भी, ये गायब हो गए। बहुत ही अजीब बात है। क्रिस, तुमने मेरा पेंट चुराया। हाँ बिल्कुल। अब तो तुम गए। बस करो। इस यूनिकॉर्न को क्या हुआ है? अगला टास्क ये है, देख भारी है, वाटरमेलन बनाओ। मैं इनसे और क्या ही करूं? मुझे पेंट दो। तुमने मैजिक वर्ड नहीं बोला, बोलो प्लीज। मैं एक मास्टरपीस बनाऊंगा। तुम अपनी उंगली से बना रहे हो? आर्ट के लिए अच्छा चाहिए, ब्रश नहीं। हाँ हाँ, जो भी हो, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। पता नहीं क्रिस की पेंटिंग कैसी लगेगी। वो ये क्या कर रहा है? शायद इतना भी बुरा नहीं होगा। जरा मुझे लेने दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हे, शांत हो जाओ, थोड़ा सा ही तो लिया है। डॉट्स के आसपास ब्रश चलाएंगे और एक सेमी सर्कल बनाएंगे। ये दो कलर्स वाटरमेलन के स्लाइस जैसे लग रहे हैं। अब बाकियों की बारी। इसे देखकर मुझे भूख लग गई। सब हो गया। तंग मत करो। हे, टाइम हो गया। तो कैसा लगा? क्या ये सेल बोट है? वाटरमेलन चैलेंज जीतती है लूना। वाह, मैं दूसरी बार जीत गई। ओह, कितनी टेस्टी ट्रीट है। अच्छी लग रही है। तुम्हें चाहिए? हाँ प्लीज। मजा आ गया। हाँ? मुझे यही मिलेगा? चलो कोई बात नहीं। हम आर्ट वर्ल्ड के रोमियो और जूलियट है, पर मैं जूलियट हूँ और तुम हो मेरे रोमियो। मैंने कहा था ना मुझे घूरना मत। तुम चाहते हो अब मैं प्रैंक करूं? ओह नहीं, तुम ये खोल सकते हो। प्लीज तुम ये खोलो। ठीक है, पेंस मैं ले लेती हूँ, तुम पेंट ले लो। तुमने मुझे गिफ्ट दिया। क्या? अगले चैलेंज की बारी। रोमांस तो रोजेस के साथ अच्छा लगता है। वाह, ये एक साइन है। ये तुम्हारे लिए है डार्लिंग, मेरे फेवरेट। लाइफ परफेक्ट है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ना चाहता। तुम और मैं हमेशा साथ रहेंगे। हाँ? ये क्या हुआ? अब क्या है? तुम बहुत ही अजीब हो। वो मुझसे फ्लर्ट कर रही है। तुम तो कमाल हो। शायद मुझे कोल्ड हो गया है। अरे बहुत तेज छींकाए। पता नहीं इस बार क्या बनाएंगे। हा? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, अगली बार मुझे वार्निंग दे दोगी? मेरी पेंटिंग देखो तुमने क्या किया। जरा रुको, मैं ये इस्तेमाल कर सकता हूँ। बहुत अच्छा आइडिया है। पेपर पर इस तरह ब्रश चलाएंगे अलग अलग डायरेक्शंस में। ये फ्लावर पेटल्स जैसे लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत है। थोड़े और बनाएंगे। ये बहुत रिलैक्सिंग है। हाँ, आप स्टेम्स को पेंट करेंगे। ये पार्ट आसान है, बस पतली सी लाइंस। इस तरह ब्रश चलाएंगे और लीव्स बनाएंगे। अच्छा लग रहा है ना? अब फ्लावर का बेस बनाएंगे। बस फिनिशिंग टचेस की बारी और हो गया। कैसे लग रहे हैं? मुझे कुछ परेशानी है, कुछ अच्छा नहीं बना, पर कुछ ना होने से तो बेहतर है। ये प्यारे लग रहे हैं ना? और विनर है क्रिस। हाँ, मैं जानता था। हाँ, यही मौका है, मैं ये कर सकता हूँ। लूना, अच्छू, हे भगवान, हेल, पूरा मोमेंट खराब हो गया। शायद मुझे एलर्जीज है। छोड़ दो, तो आ जाओ। वाह, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। तुम वर्कआउट करती हो? कुछ गलत है? नहीं, हे, ये चीटिंग थी। वो तुम खुद देखो, जरा देखने दो। ओह वाह, वो मेरे हैं। और मुझे बस ये दो चॉक्स मिले? बहुत गलत बात है। मैं ये भी ले लेती हूँ, तुम्हारी गलती है। मेरा चॉक तो देखो। देखो, हमारे पास सब ग्रेप्स हैं। ये बहुत सिंपल रहेगा, चलो बनाओ। हाँ आसान है। ओह, मुझे एक परेशानी है, ये ठीक नहीं होगा। बहाने बनाना बंद करो, मुझे ग्रेप्स पसंद है। कितने जूसी होते हैं, मैं पूरा दिन खा सकती हूँ। स्वादिष्ट है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? मजा आ गया।
बढ़िया है। कुछ तो करना होगा। शायद मेरे पास आइडिया है। स्कैल्पल से चॉक शेविंग्स बनाना शुरू करेंगे। एक ट्रायंगल बनाते हुए इसे सीधा पेपर पर ही छोड़ते जाएंगे। अब फिंगर से रब करेंगे, मेन शेविंग्स में ओवल शेप बनाएंगे और ट्रायंगल के हिसाब से ओवल्स बनाते जाएंगे। ये बिल्कुल ग्रेप्स जैसे लग रहे हैं। जब ये हो जाए तो फालतू का चॉक डस्ट हटा देंगे। अब ग्रेप्स पर पेन चलाएंगे और इससे इसकी आउटलाइन बनती जाएगी। ध्यान से करें ये ग्रेप्स फैल ना जाए, क्योंकि हमें इसे खराब नहीं करना। इसे नीचे तक करेंगे। काफी अलग लग रहा है। अब ये पूरा नहीं हुआ। एक व्हाइट पेन से लाइट बनाएंगे, इससे ये और प्रोफेशनल लगेगा। अब स्टेम की बारी, इसके लिए ब्राउन पेन काम आएगा। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। हे लूना, चलो उसे देखें। एक दो तीन, कैसा है? वाह, इसकी ड्राइंग तो बहुत अच्छी है। वाह, क्या काम किया है। पर विजेता है क्रिस। हाँ, मजा आ गया। मैं सच में जीत गया। मैं अपनी मॉम का शुक्रिया अदा करूंगा। अरे वाह, इन ग्रेप्स को तो देखो। मैं ये मजे से खाऊंगा। ये देखो लूना, तुम लकी हो, मुझे वो चाहिए थे। ओ, अब मुझे बुरा लग रहा है। एक ही चीज हो सकती है लूना, मैं चाहता हूँ तुम ये ले लो। ये प्रैंक है ना? मैं बस हल्का सा ये कलर मिलाऊंगी। जब तक वो नहीं देख रही मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ। ये एप्पल बहुत टेस्टी लग रहा है। ये पका मीठा और जूसी होगा। हा? ये क्या है? उसने एप्पल कैसे पकड़ लिया? उसने देख लिया। खैर, मुझे लगता है हम सही जगह पर आए हैं। चलो देखें कि क्या करना है। हमने काफी टाइम से बात नहीं की। शायद मुझे अपना मैनिक्योर कर लेना चाहिए। आखिरकार कुछ हो रहा है। ये लाइट देखो, ये तो कोई एलियन और यूएफओ लग रहा है। मजेदार। मैं इंतजार नहीं कर सकती कि आगे क्या होगा। रुको, मैं हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। चलो फिर, ये सही नहीं है। मुझे एक हाथ मिला और मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। अब छोटे से एलियन को ड्रॉ करने का समय है। ये रहा उसका सर। चलो अब उसकी बॉडी बनाते हैं। आर्म्स के बिना ये कोई एलियन नहीं हो सकता। जाहिर है, दो आर्म्स। और अब इसकी दो स्टिकी लेग्स बनाते हैं। और अब कुछ डिटेल्स ऐड करनी है। उसकी आंखें काली और बड़ी होनी चाहिए और एक छोटा सा नाक और मुंह भी। अब इसे जगाते हैं और मूव करवाते हैं। उसने अपने एक हाथ के इस्तेमाल से ही कितना अच्छा बना लिया। हे भगवान, मेरे बगल में तो एक असली एलियन खड़ा है। वो मेरी प्लेट और मार्कर के साथ कुछ कर रहा है। चलो देखें कि उसने क्या किया है। लगता है इसने एलियन बनाने की कोशिश की है। हे मिस्टर एलियन ड्यूड, देखो मैंने अपनी प्लेट पर क्या बनाया। देखा, मैं पानी को हिलाकर इसे डांस करवा सकती हूँ। यार, ये तो बहुत ही बढ़िया मूव्स कर रहा है। क्योंकि मैंने जो बनाया है तुम्हें पसंद आया। मुझे पता है आपको पसंद आया होगा। वाह, इस लाजवाब स्पेस केक को देखो। वाह, वो तो इसे मेरे पास ही रख रहा है। शायद ये मेरा है। लो, तुम ये ले सकते हो। मैंने ऐसा केक अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। उसे केक मिल गया और मुझे क्या मिला? शायद कुछ भी नहीं। बस मेरी प्लेट पर ये एलियन का स्क्रिबल है। हे, मेरी प्लेट का क्या? क्या तुम्हें ये नहीं चाहिए? शायद केक के बदले में? नहीं, क्या मुसीबत है। तुमने ही तो इसे बनाया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये बढ़िया लग रहा है। मैं इसे खाने वाली हूँ। ये स्पेस केक तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मुझे खुशी है कि मैं ये जीत गई हूँ। ये कैंडीज मेरी फेवरेट है। बहुत फ्रूटी। मुझे लगता है कि ट्रॉपिकल फ्लेवर से बेहतर और कोई फ्लेवर्स नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है। मैं बैग में से थोड़ी सी निकाल लेती हूँ। ये बहुत कलरफुल और सुंदर भी है। मुझे पिंक बहुत पसंद है। और अब इन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं ब्लू वालों से शुरू करूँगी। और यहाँ लगेगा पिंक। अब ये ऑर्गेनाइज है और जादू के लिए तैयार है। काम हो गया। ये तो उसी पॉकेट में बदल गया जैसा मैं चाहती थी। अब पॉप करने का टाइम है। हे, क्या है? और तुम क्या कर रही हो? हमें आर्ट करनी है। हाँ, मैं भूल गई थी। शायद पॉपेट ने मेरा ध्यान भटका दिया था। इस बार मैं अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकती हूँ और वो भी दोनों का। अब ये मेरा मौका है। इसके साथ थोड़ा सा खेलने में कोई हर्ज नहीं है। मैं इसे अपने आर्ट वर्क के लिए यूज करने वाली हूँ। मैं इस पेंट से शुरू करूंगी। मैं इस पॉपेट के अंदर के हिस्सों को पेंट करूंगी। मैं इसका रिजल्ट देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अब पॉपेट की ऑरेंज रो में भी सेम ऐसा ही करते हैं। हो गया। चलो अब ट्राई करके देखें। मुझे इस पॉपेट को अपने
पेपर पर उल्टा करना है। अब पॉपिंग स्टार्ट करते हैं। रेड, शायद यहाँ पर ये ब्लू वाला। ये तो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल कर रही है। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। चलो भिनोस, तुम्हें मेरे पेंट ब्रश का काम करना है। अब मेरे नोज के साथ पेपर पर कुछ डॉट्स बनाने का टाइम है। ये बढ़िया हो रहा है। अब कलर्स को चेंज करते हैं। मैंने अपने नोज के इस्तेमाल से पॉपिट बनाया। मैंने अपना भी बना लिया है। कोई शक नहीं, ये काफी बढ़िया है। देखो मेरे डॉट्स कितने परफेक्ट है। तुम्हारे वालों से तो पक्का बेहतर है। वो जादू वापस आ गया। परफेक्ट कुकीज। मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ। ये बहुत बहुत स्वादिष्ट है। मैं भी एक बाइट लूंगी। वो क्या तुम्हें ये लाइट नजर आ रही है? लगता है इस बार हमें बॉक्सेस मिले हैं। मैं ये वाला लूंगी। बिल्कुल नहीं, देखो मेरे वाले में क्या था। स्प्रे पेंट की कैंस। पता नहीं मेरे वाले में क्या होगा। शेकिंग से तो कुछ पता नहीं चल रहा। मैं इसे खोलती हूँ। वाह, ये तो नई कलर्ड पेंसिल्स का पूरा बॉक्स है। मुझे ये बहुत पसंद आया। एक और बॉक्स। क्या लगता है इसके अंदर क्या होगा? खोल कर देखते हैं। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। ये तो गमी आई बॉल है। बहुत स्क्विशी। ठीक है, मैं इसे खा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। ये बहुत टेस्टी है और च्यूई मुझे बहुत पसंद आई। काश मुझे खाने के लिए थोड़ा और मिल जाता। हे, देखो, इस बार हम दोनों अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं और मैं आर्ट करने के लिए तैयार हूँ। मैं इस ब्लू कलर से स्टार्ट करूँगी और बीच में एक स्प्लॉच बनाऊंगी और अब मैं व्हाइट पेंट करने के लिए इस ग्लास का इस्तेमाल करूँगी। हो गया, मुझे कितना बढ़िया ब्लू सर्कल मिला है। मैं इस प्लेट का इस्तेमाल करूँगी। मैं इसे पेपर पर उल्टा लेटा देती हूँ। अब ब्लैक स्प्रे पेंट करने का टाइम है। प्यूपिल के लिए मुझे बीच में थोड़ा ब्लैक चाहिए क्योंकि ये एक आँख है। मैं अपनी पेंसिल्स और अपने एक हाथ के साथ तैयार हूँ। अब अपने एक हाथ के साथ आँख ड्रॉ करने का टाइम है। ये तो काफी अच्छा बन रहा है और शायद मेरा हो गया। टाटा, मेरा छोटा सा हैप्पी फेस तैयार है। तुमने ये कैसे किया? देखो मेरी छोटी सी प्यारी आँख, ये बढ़िया बनी है ना? हे भगवान, जादू ने मेरी पिक्चर को एक और गमी आई बॉल में बदल दिया। बस ये बहुत बड़ी है। हे भगवान, क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी है। क्या मुझे मिलेगी? बिल्कुल नहीं, ये मेरी है। मुझे अपनी बड़ी आई बॉल खानी है। यार, शायद मैंने भी उसको अपना केक नहीं दिया था। वो ये क्या हो रहा है? ये क्या है? एक और, ये तो आए जा रहे है। हमें एक पेपर मिला है। कुछ हो रहा है, फिर से जादू हो रहा है। देखो ये तो आइसक्रीम कोन है। कितना प्यारा है और ये काफी टेस्टी भी लगता है। काश मेरे पास असली आइसक्रीम कोन होता। मजाक नहीं है, जरा मुझे देखने दो। ये तो काफी मजेदार होगा। फिर से बिना हाथों के, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। मेरे पास एक हाथ और मेरा पेंट ब्रश है। अब इसे पेंट में डालने का टाइम है। शायद मैं रेड से स्टार्ट करूंगी। मैं ये आइसक्रीम पेंट करने वाली हूँ। अब काफी बढ़िया टाइम बीतेगा। मैं अपने पिक्चर में अलग अलग कलर्स के डॉट्स बनाऊंगी। मैंने रेड, येलो, ब्लू और व्हाइट लिया है और अब मैं इसमें थोड़ा पानी डालूंगी और इन्हें ब्लेंड कर दूंगी। उसने पेंटिंग करना शुरू कर दिया है। अब मुझे भी शुरू करना चाहिए। लगता है अब मुंह के सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं है। इस पेपर पर कुछ डॉट्स बनाने से शुरू करती हूँ। अब मुझे ये वाला कलर भी चाहिए। शायद मैं ये वाला कलर यहाँ करूँगी। ओह नहीं, ये तो बहुत बेकार बना है। खैर, मैं बस यही बना पाई हूँ। टारा, कम से कम ये कलरफुल है। चलो मेरे लिए यही ठीक है। मैंने भी अपनी आइसक्रीम कोन बना ली है। मैंने जो ब्लेंडिंग टेक्निक यूज की थी वो बहुत बढ़िया रही। मुझे ये बहुत पसंद है। ये तो असली आइसक्रीम में बदल गई, जैसा कि हमें चाहिए था। मैंने तो बिल्कुल असली आइसक्रीम जैसा पेंट किया था। अब इसे टेस्ट करने का टाइम है। उम्मीद है ये बढ़िया होगी। ये बहुत बढ़िया है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें भी ऐसी आइसक्रीम चाहिए थी। तुम्हें क्या लगता है इस बार हमें क्या मिलेगा? ये बहुत दिलचस्प है। हे भगवान, देखो ये तो छोटा सा फ्रॉग है। देखो तो इधर उधर कूद रहा है, अपनी हरकतें कर रहा है। खैर, मैं फ्रॉग को बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। वाह, मैं भी। मुझे फ्रॉग्स और टॉट्स बहुत पसंद है। चलो मैं अपना पेपर तैयार कर लेती हूँ। इस बार दोनों हाथ और तुम्हें फिर से एक मिला। लगता है इस वाले के लिए मुझे ये फाइन टिप मार्कर यूज करना होगा। मैं दिल के दो आधे आधे हिस्से बनाने से शुरू करती हूँ। मैं इन्हें नीचे से ऐसे जोड़ दूंगी और ऊपर एक आर्क बनाऊंगी। इसकी प्यारी सी उंगलियाँ देखो, बहुत खूबसूरत है। मैंने इसकी आँखें बना ली है और अब इनमें कलर करने का टाइम है। मैं ग्रीन कलर इस्तेमाल करूंगी। ये बहुत इज्जतदार फ्रॉग है। इस बार तो मैं अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करने वाली हूँ और अब क्योंकि दो हाथ है तो मैं इसे और जल्दी बना लूंगी।
ये काफी शानदार स्ट्रेटेजी है। इसके फिंगर्स और टोज बढ़िया बने हैं। ये काफी क्यूट लग रहा है। ठीक है, आउटलाइन पूरी हुई, अब इसमें कलर करने का टाइम है। ये बहुत बढ़िया और जल्दी बन रहा है। हालांकि ये इतना डेलिकेट नहीं है, मुझे जल्दी करना होगा। वो यहाँ तो धुआं आ गया। ये क्या है, तुमने यहाँ आग कैसे लगा ली? खैर, मुझे लगता है मेरी फ्रॉक की पिक्चर बन गई है। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दी कलर कर दिया। खैर, मेरे फ्रॉक की पिक्चर में आग नहीं लगी। और ये देखो, ये क्यूट है ना? ओह, वो क्या है? ये गमी फ्रॉग है। ये पक्का मेरी शानदार पिक्चर में से निकल कर आया है। इस पिक्चर को शेक करने का टाइम है। शेक, 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 शेक। वाह, ये तो काफी सारे गमी फ्रॉग्स हैं। हे भगवान, इनमें से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मेलन जैसी। मैं इसकी एक बाइट लेकर देखती हूँ। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। मुझे गमी फूड्स बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम थोड़ा धीरे नहीं खा सकती? नहीं, मुझे जल्दी जल्दी खाना बहुत पसंद है। वाह, इतनी सारी चॉइसेस। बिंगो। अरे वाह, क्या ये जेली बीन्स है? मैं खाऊंगा। मेरी है। हे, मैंने इन्हें पहले देखा। बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ना। छोड़ दो, पहले ही बता रहा हूँ, मुझसे पंगा मत लो। चलो भी। ये मेरी है। कैंडी, तुमने ये क्या कर दिया? अरे यार, ये हर जगह फैल गए। हाँ सच में, मैं तो गई। बचाओ। वो ये कैसी जगह है? एमिली, क्या ये तुम हो? हाँ, डर लग रहा है। कमाल है। अरे रुको, अब चैलेंज होगा। क्या बात है। बू! हे, तुमने मुझे डरा दिया। हाँ, ये हमारा पहला चैलेंज है। सच में? वाह, ये कैंडल्स हैं। जरा इन्हें तो देखो। मुझे ये चीजें इतनी पसंद नहीं है। मैं क्या बनाऊं? हाँ, अच्छा सवाल है। एक डरावना भूत कैसा रहेगा? ओ जस्टिन, तुम्हें डर लग रहा है? बिल्कुल नहीं, ये मैं हूँ। ये मजाक था। ओ चलो छोड़ो भी। इससे मेरे दिमाग में एक चीज आई। हाँ बिल्कुल, मैं इस कैंडल को इस तरह सजाऊंगा ताकि ये निकलेगा नहीं। मैंने कभी भी वैक्स से पेंट नहीं किया। एक दिल। अब वैक्स सख्त हो रही है। हे, ये तो बहुत कूल है, मैं ट्राई करना चाहूंगी। मेरी वैक्स पिघल गई है। बैक से डरावना और क्या होगा? इस तरह की वी शेप्स बनाएंगे। ये कूल है ना? देखो। वो कमाल है, मेरे वाले जितना बढ़िया है। वाह, क्या बात है। हाँ मैं जानता हूँ, ये साथ में बहुत अच्छे लगेंगे। हाँ चलो देखते हैं। हाँ, काफी जबरदस्त है और डरावने भी। मैं अभी से कांपने लगी हूँ। बिल्कुल, ये है ही इतना जबरदस्त था। फिर मिलेंगे। मैं बोर हो रहा हूँ। हमारा अगला चैलेंज कहाँ है? बस उसमें कोई स्नैक हो। तुम्हारे पास कुछ खाने का है? नहीं, काश होता। अरे यार, काश मेरे पास हॉट फ्रेंच फ्राइज होते। जरा ही नहीं देखो, कितने सारे हैं। काश हमेशा ऐसे ही फ्राइज की बारिश होती। हाँ, आने दो। लाजवाब, स्वादिष्ट नमकीन आलू। कितने अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ? ओ-ओ। ये क्या कर रही हो? माफ करना, मैं शर्मिंदा हो गई। रुको, असली आलू। मैं इनका क्या करूं? तुम इन्हें कच्चा नहीं खा सकती।
मैं जानती हूँ। जरा ये देखो, कच्चा नहीं खा सकती। वो कमाल है। क्या ये परफेक्ट डिस्पेंसर टूल है? हाँ। अच्छा ये मुझे दो। सच में मैं इसका क्या करूं? किसी काम का नहीं है। अरे हाँ, मैं ये एडिबल बीड इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब एक फूल पैटर्न बनाएंगे। पता है मैं क्या बना रहा हूँ? ये उंगलियां इस्तेमाल करने से ज्यादा आसान है। ओ, एक हार्ट। इन्हें एक साथ जोड़ देंगे। देखो हो रहा है। अब जरा इसे देखो। हे, देखो ना एम। वो, ये एक हार्ट है। और मेरे पास बस ये बकवास चीजें हैं। पर रुको, मैं जानती हूँ क्या करना है। अगर इसे कटर के ऊपर प्रेस करें तो ये अंदर चला जाएगा। फिर इसे हम बीच में से काट देंगे। देखा, ये कार्विंग लग रही है। बस थोड़ी डिटेल्स बनानी है। अब मेरा फेवरेट कलर, ये देखो, ये एक स्टैम्प है। देखा, छोटे छोटे स्कल्स बन गए। अरे वाह। हे जस्टिन, जरा रुको, तुम्हें कैसा लगा? वो, ये सब एक आलू से बना है। मुझे पसंद आया। अरे यार रुको, तुम मेरा ये दिल रख सकती हो। हे भगवान, तुम कितने प्यारे हो। ओ, मेरा पोटैटो स्टैम्प लोगे? चीयर्स। रॉक पेपर सिजर्स, ये मजेदार है। ओह, तीन में से दो, मैं जीत गई। अरे वाह, क्या खेला है। क्या टाइमर, किस लिए? हे ब्रशेस, ये देखो। मैं समझी नहीं। हम पेंट करेंगे? मुझे नहीं पता। वो देखो टाइम, ये शुरू हो गया। हमें जल्दी करना होगा। कहीं से तो शुरू करूं? ये कैसा पेंट है, ब्रश के साथ ही निकल रहा है। ये क्या चीज है? आराम से, आराम से। ये मिक्स हो गए। ओ, बुरा हुआ। मैं तुम्हें कर कर दिखाती हूँ। ओ, क्या टर्न था। अब एक और आएगा। अरे यार, फिर से रह गया। ये इतना आसान नहीं है ना। चलो दोबारा ट्राई करें। हाथ टिका कर चलाना होगा। दोबारा नहीं, इस बार मैं कर दिखाऊंगी। ये ग्रीन से बचकर। अरे नहीं, ये मिक्स हो गया। मुझे गुस्सा आ रहा है। ये मुश्किल हो रहा है। समय बीतता जा रहा है। हाँ चलो भी। हाँ बढ़िया हो गया, ये बीकर में आ गया। हाँ मेरा वाला भी, मैंने कर दिखाया। क्या बात है। वुहू, या। रुको, हम दोनों जीत गए। हाँ, मेरी आंखें। हे, देखो, मुझे भी एक मिला। वाह, बहुत सुंदर है। तो हम इसे पिए। बॉटम्स अप। ब्लैकबेरी, स्वादिष्ट। अब गार्निश की बारी। दो ताली। वुहू। ज
जी हाँ, चलो देखिए क्या होगा अगर मैं इस पेंट ब्रश को पेंट करूँ। बस इसके ब्रिसल्स पर अलग अलग रंगों की स्ट्राइप्स बनानी है। ये एक रेनबो जैसा लग रहा है। हाँ तो चलो, और रुको पहले तुम। बिल्कुल, चलो साथ में दबाते हैं और देखते हैं व्हील किसे चुनता है। ओह, एक स्माइली इमोजी। सच में? हाँ, मुझे एक हाथ इस्तेमाल करना है और तुम्हें बिल्कुल नहीं। हाँ, अब देखते हैं जादू से क्या आता है। रुको, स्क्वीज बॉटल्स। पता है स्काई, हम इस चैलेंज के लिए एप्रन्स ले लेते हैं। हाँ, अब हम ये करने के लिए तैयार हैं। हम व्यू को किसी और चीज में बदल सकते हैं। चलो 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 प्लीज। हे भगवान, ये तो काम किया, मुझे विश्वास ही नहीं होता। और अब मुझे एक आइसक्रीम बनानी होगी। ये सर्कल सही रहेगा। अब हम इसमें आंखें बनाएंगे और इसे आईब्रोज भी चाहिए। हाँ, इसके लिए इतना काफी होगा। अब ब्लू वाले की बारी। पहले इसके आंसू और अब इसे ब्लू कलर से रंग दे। ये ठीक ही लग रहा है। ये रहा सारा बैटर। अब देखो बन रहा है ना। अब रेड वाला बस थोड़ा सा स्क्वीज करना है, बिल्कुल ब्लू वाले के साथ। बुरा नहीं है, बिल्कुल ठीक रहेगा। हाँ, अब येलो की बारी। येलो के बिना स्माइली ठीक नहीं रहेगी। अब बस बाकी की जगह इससे भरनी है। हर जगह पर अच्छे से कलर होना चाहिए। बस थोड़ा सा और हो गया। अब इसे पलटाएंगे। हे भगवान, देखो ये कितना बढ़िया लग रहा है। ओ नहीं, मेरी नाक में खुजली हो रही है, ये ठीक नहीं है। अच्छा, ओ नहीं, ढक्कन तो बाहर निकल गया। ओह, बहुत गड़बड़ हो गई। ओह, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ स्काई। सॉरी, जो भी है ठीक ही होगा, मेरा हो गया। खैर, ये लो, हम इस स्पैटुला से तुम्हारी मदद कर सकते हैं। बस थोड़ा सा यहाँ से निकालना है, इससे ये ज्यादा खराब नहीं होगा शायद। लो, अब ये बेहतर है ना? हाँ बिल्कुल, तुम्हारा शुक्रिया। अरे यार, वो तो गुस्से में लग रही है। पर देखो मेरा कैसा लग रहा है, प्यारा है ना? हाँ, इस बार मैं पहली बटन दबाती हूँ और देखते हैं क्या आता है। ओह, एक पेड़। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। रुको, मैं दोबारा हाथ इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगी। देखते हैं इस बार जादू से क्या आता है। ओह, तो हमारे पास है एक इंक की बॉटल और एक स्ट्रॉ। खैर, तो शुरू करते हैं। जरा अपनी एल्बोस को शो ऑफ करो। बहुत अच्छे, अब इंक की बॉटल को खोलेंगे। हाँ ठीक है, शुक्र है हम स्ट्रॉ को मुंह से उठा सकते हैं। हाँ, अब इससे मैं इंक निकाल रखती हूँ। ओह, ये आ रही है। मैं स्ट्रॉ का क्या करूँ? ओह नहीं, वो उसे पी रही है। रुको, वो इंक है, सोडा नहीं। क्या? ओह, मुझे लगा तुम ये पी रही हो। मैं जैसा कर सकती हूँ वैसे ही ड्रॉ करूंगी ना। मुझे जहाँ जहाँ इंक लेकर जानी है मैं वहाँ फूंक मार रही हूँ। वो कितना जबरदस्त बन रहा है। मुझे नहीं पता था कि तुम एक स्ट्रॉ के साथ ये सब कर सकती हो। ये काम क्यों नहीं कर रहा? मुझे थोड़ी और जोर से फूंक मारनी होगी। चलो चलो भी बकवास इंक। फिर रुको, मेरे चेहरे पर क्या है? ओह, मेरे चेहरे पर इंक आ गई। ये इतना रो क्यों रही है? कितना गंद मचाती है। रुको, हो रुको, क्यों? देखो मेरे पास पिंक पेंट है। बस पेंट की एक लाइन स्क्वीज करनी है और अब एक और कलर भी। ठीक है, पेंट लाइंस तैयार है। अब मुझे एक कॉटन स्वाब चाहिए। लाइट पिंक कलर में इसे डुबोएंगे और अब देखो इन ब्लैक इंक की ब्रांचेस पर हम इसे डार्क करेंगे। ये फूलों की तरह लग रहे हैं, जैसे स्प्रिंग के मौसम में छोटे छोटे बर्ड्स आ जाते हैं। देखो ये कितना खूबसूरत लग रहा है। मुझे बनता हुआ बहुत पसंद आ रहा है। कितना खूबसूरत है ना? तुमने मेरी फ्री को खास बनाने में बहुत मदद की। मैं इस पर साथ में काम कर बहुत खुश हूँ। मैं भी। जी हाँ, तो अगला चैलेंज शुरू करते हैं। ओह, इतने सारे पेंट्स मेकअप ब्लेंडर्स के साथ। कितना स्क्विशी है। मुझे अपना मेकअप देख लेना चाहिए। ओह, मुझे थोड़ा टचअप करने की जरूरत है। हाँ, मुझे भी स्काई। ओह देखो व्हील। देखो ये ब्यूटी ब्लेंडर पर रुका। ये, और अब हमें बड़े बड़े कैनवासेस पर काम करना है। हाँ, तो ये अब तैयार है। और हाथ कितने चलेंगे?
अरे यार, इस बार हम दोनों ही हाथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब पेंट करें। आओ, मेरा सर। आउच, हमें ज्यादा ध्यान देना होगा। मैंने थोड़ा सा येलो कलर ब्लेंडर पर लगा लिया। अब मैं इसे अपने कैनवास पर डार्क करूंगी और एक सीधी लाइन बनाने की कोशिश करूंगी। अब हम लाइट ब्लू कलर लेंगे और कैनवास की इस तरफ पेंट करना शुरू करेंगे। जो हमने येलो कलर किया था, हमें उसके ऊपर थोड़ा ऑरेंज करना होगा। थोड़ा सा लाइट पिंक लेंगे और मैं इसे इस तरफ लगाऊंगी। अब मुझे ये सी ग्रीन कलर चाहिए। ये कितना मजेदार है ना लेक्सी। काम पर वापस चलते हैं। इस तरफ थोड़ा ग्रीन कलर लगाएंगे, इन पिंक्स को अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ये ओम्ब्रे इफेक्ट कितना मजेदार लग रहा है। वाह, कितना खूबसूरत है। मेरा भी काम पूरा हुआ। काफी सारा काम था। वो मैंने इससे काफी अलग बनाया है। वाह, खैर देखा मैंने क्या बनाया। लेक्सी, मेरे वाले को देखो। हाँ हाँ, ये अच्छा है स्काई। वो तुमने ये सब कैसे किया? हाँ शुक्रिया, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही मैंने बना भी लिया। खैर इसके सामने मेरा वाला तो अच्छा ही नहीं लग रहा। सुनो, उदास मत हो, हम तुम्हारे वाले को भी अच्छा बना सकते हैं डेजी की मदद से। पहले इसे कैनवस पर इस तरह रखेंगे। अब ब्यूटी ब्लेंडर पर थोड़ा व्हाइट पेंट लगाएंगे। इसके पेटल्स के कोनों पर हम ये पेंट लगाएंगे। चलो यहाँ पर एक और करें। वाह स्काई, तुमने तो इसे और अच्छा बना दिया। अब मुझे मेरा वाला अच्छा लग रहा है। देखो ये पेटल से कितना बढ़िया पैटर्न बना, बहुत सुंदर है। मुझे मदद कर खुशी हुई। इस बार पहले तुम बटन दबाओ स्काई। ठीक है, व्यू घूम गया। देखते हैं इस चैलेंज में हमारे पास क्या आता है। एक यूनिकॉर्न। तुम भी एक्साइटेड हो? वो ये काफी अलग है। तुम्हें आंखों के ऊपर पट्टी बांधनी होगी लेक्सी। चाहे मेरी आंखों पर पट्टी हो, लेकिन मैं बनूंगी तो एक यूनिकॉर्न ही। हाँ, इस बार हम यूनिकॉर्न की शेप के कुकीज सजाने वाले हैं। कितना मजेदार है। ओह, एप्रिंस वापस आ गए। ठीक है, तो मुझे अब आंखों पर पट्टी बांध लेनी चाहिए। स्काई, तुम कहाँ गए? तुम यहाँ हो ना? पर ये वहाँ पर क्या है? हाँ, ये रही कुकी। मैं ये ले रही हूँ, जरा एक स्नैक हो जाए। लेक्सी, मुझे नहीं लगता वहाँ पर कुछ है। एक सेकंड रुको, मेरी कुकी कहाँ गई? वो कहाँ चली गई? कुकी नहीं है तो कहाँ गई? मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। हाँ, तो पता नहीं कहाँ गई होगी। मैं एक और कुकी ले आती हूँ, पर इस बार मैं लेक्सी पर नजर रखूंगी। हाँ, तो हम इस कुकी को सजाना शुरू करते हैं। हाँ लेक्सी, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ये रही तुम्हारी व्हाइट फ्रॉस्टिंग। शुक्रिया स्काई, मैं भी शुरू करती हूँ। ये थोड़ा मुश्किल रहेगा। पहले कुकी की शेप को आउटलाइन करेंगे। हो गया। अब इसमें और व्हाइट कलर कर इसे फिल करेंगे। हाँ, अब ये अच्छा लग रहा है। लगता है ये बहुत अच्छी दिखेगी। वाह, काफी बढ़िया बन रही है। बस थोड़ा सा और हो गया, पूरी कुकी कवर हो गई। अब हमें एक पेंट ब्रश और गोल्ड फ्रॉस्टिंग पेंट चाहिए। पहले नीचे की तरफ लगाएंगे और थोड़ा सा कानों की तरफ। हाँ, अब इसको हॉर्न मत भूलना। अब अपने यूनिकॉर्न की आंखें बनाएंगे। अब थोड़ी सी रेड फ्रॉस्टिंग की जरूरत है। उसे दिल की शेप के नॉस्ट्रल्स चाहिए। कितना प्यारा है, मैं इसमें बिल्कुल माहिर हूँ। अब मुझे ये वाला कलर चाहिए। ये कौन सा है? पता नहीं, पर मेरी यूनिकॉर्न को आंखों की जरूरत है। अब कलर बदल लेते हैं। इसकी सांस लेने के लिए नॉस्ट्रल्स की भी जरूरत होगी, जो कि बहुत जरूरी है। मुझे पता है ये कमाल का बन रहा है। मेरा बन गया। और तुम्हारा स्काई? ओ नहीं, मैंने ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचा था। खैर, मेरी आंखों पर पट्टी थी तो जो भी है। इसका नाक देखो कितना प्यारा है। मैं इसे किस करना चाहती हूँ। तुम ठीक कह रही हो, बहुत सारी किसेस। कम से कम मेरे पास अपना हॉर्न तो है। जी हाँ, ऐसे ही रहो, मैं तुम्हारी ब्यूटी कैप्चर करूँगा। लो, मास्टरपीस बन गया। ओह, ये बकवास है। ये मैंने क्या देख लिया? चलो कुछ और ट्राई करते हैं। हाँ, ये क्या? क्या मैं ये सब सिर्फ सोच रहा हूँ? वाओ, ये क्या हो रहा है? मैं कहाँ हूँ? एक सेकंड रुको। तो तुम मेरे नए कैन हो? वाओ, हाय बार्बी। हम बहुत मस्ती करने वाले हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वाओ, जरा इसे देखो, एक जॉइंट चैलेंज। मेरे दोस्त विश्वास ही नहीं करेंगे। देखो, ये पहला चैलेंज है। चलो शुरू करते हैं, लगता है कुछ अच्छा होगा। वाह, इतने सारे कलर्स, आज का दिन सबसे अच्छा है। अरे हाँ, हाँ, ये क्या है? वो वहाँ कैसे पहुँचा? मैं ये पहन लेता हूँ। ओ हाँ, इसीलिए तो है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बार्बी, तुम ही हो ना? मैं मदद करता हूँ। कितना अच्छा है। किसने कहा? ओह, फ्रेंड्स मिल गए। पता नहीं मैं कौन सा रंग चुन रही हूँ।
तभी तो मजा आएगा। ये काफी है, अब हम मास्क उतार सकते हैं। ओह, मुझे बढ़िया लगा, तुम्हें क्या मिला? चलो पता लगाएं। ओह, कुछ अच्छा ही आ जाता, तुमने ये देखा? हे, रूल्स मैंने नहीं बनाए। ठीक है, इसे जल्दी निपटाते हैं। तैयार हो? चलो पहले बालों से शुरू करेंगे। मैं इसके लिए येलो कलर लूंगा। मेरी ड्राइंग में इसके बाल रेड होंगे, बस कोई गलती ना हो जाए। ये बढ़िया जा रहा है, मुझे मजा आ रहा है। कितना रिलैक्सिंग है, हमें ये अक्सर करना चाहिए, जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करते हैं। वाओ, आराम से दोस्त, अभी तो हम एक दूसरे को जान रहे हैं। ये लड़का एलियन जैसा दिखने वाला है। शुक्र है मैंने अच्छे कलर्स चुने, अब इसका चेहरा बना सकते हैं। लगता है ये हो गया। मेरा भी। ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है। तुम मजाक कर रहे हो ना? इसे कहते हैं आर्ट। जो भी हो, ये क्या हो रहा है? पता नहीं, अजीब है। हे, तुम अच्छी लग रही हो। सच में? ओ, तुम कितने प्यारे हो और लगता है तुम बड़े हो गए। देखो तुमने क्या कहा। ओ, मैं ग्रीन हो गया। तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी है, जरा इसे तो देखो। हमें कोई और शूज ट्राई करने चाहिए। ये ड्रिंक टेस्टी है। इस आउटफिट के साथ ब्लू अच्छे लगेंगे। हे, एक और चैलेंज। ये थोड़ा मुश्किल होगा, मुझे कुछ सोचना होगा। ओह, स्ट्रॉ टिक ही नहीं रहा। ये बेहतर है, सोच सोच कर प्यास लग जाती है। जरा रुको, मैं ये इस्तेमाल कर सकता हूँ। पहले एक हार्ट बनाएंगे, इसे मल्टी कलर का बनाएंगे। ये आखिरी हिस्सा है। अब मुझे मेरा स्ट्रॉ चाहिए। इस तरह इसमें से फूंक मारेंगे और पेंट पेपर पर फैल जाएगा। ऐसा ही पूरे पर बनाएंगे। अब डिटेल्स बनाएंगे, दो आंखें और इसकी मुस्कुराहट। इसके चीक्स लाल होंगे। मेरा काम हो गया। हे बार्बी, कितने सुंदर शूज हैं। ये क्या है? तुम्हें कैसा लगा? मैंने लव हार्ट बनाया। वाह, ये परफेक्ट है, ये बहुत खूबसूरत है, मैंने तुम्हारे लिए बनाया। उप्स, ये अजीब है, मैं जस्टिन के लिए कुछ महसूस नहीं करती, अब मैं क्या करूं? रुको, मेरे पास एक आइडिया है, मेरी डॉल के शूज, ये आज काम आएंगे। मुझे एक छोटा कैनवस चाहिए, इस पर एक लव हार्ट बनाएंगे। इस तरह इस पर शूज रखेंगे, एक के साथ एक पूरा लव हार्ट कवर कर लेंगे। अलग अलग कलर के शूज इस्तेमाल करेंगे, ये बस आखिरी है, जैसे रेनबो हो। जरा देखो जस्टिन, तुम्हें पसंद आया? मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं रोऊंगा नहीं, पर मैं रुक नहीं पा रहा। कितना प्यारा है, मैं इसे पूरी जिंदगी अपने साथ रखूंगा, ये सबसे अच्छा गिफ्ट है। और तुम भी ना? नहीं, मेरे फ्लैट फेक नहीं है। ओह, बहुत तेज आवाज है। ओह, कितनी अच्छी नींद में था। बार्बी अभी भी सो रही है। हे, जाग जाओ बार्बी। हेलो, ये काम नहीं कर रहा। खैर, मैं क्या कर सकता हूँ, बच्चों की तरह सो रही है। ओह, मैं जानता हूँ, मैं उसे सरप्राइज करूँगा। मैं हमेशा से ट्रैवल करना चाहता था, पेरिस कितना सुंदर है, ये मैं ले लेता हूँ। हे, क्रोसान चोर, विश्वास ही नहीं होता, बार्बी को ये बहुत पसंद आएगा। एकदम ताज़ा बेक क्रोसान और कॉफी। खुशबू अच्छी है, मैं इसकी नाक के पास रखता हूँ। हाँ, ये क्या है? कॉफी की खुशबू है। अरे वाह, शुक्रिया। ये मत भूल जाना। ये तो और बेहतर हो गया। स्वादिष्ट। एक मेरे लिए भी, मैं ये मजे से खाऊंगा। मेरे मुंह में पानी आ गया है। रिफ्रेशिंग। और ये क्रोसेंट बहुत लाइट है। हम इसका क्या करेंगे? एक क्वेश्चन मार्क, ये एक मिस्ट्री है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि मेरे दिमाग में कुछ आए, अभी भी। और मैंने सोच लिया, मैं ये पेंट ब्रश लूंगा। जस्टिन, ध्यान से। ओह, माफ करना, तुमने मेरी कॉफी गिरा दी। ये सॉसर पर ही गिरी है, ये अच्छा हुआ। ओह, पर मैं गलत थी। ये गलती से हुआ है बार्बी। अब मैं क्या करूं? पेपर इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्या कर सकती हूँ? मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है, मुझे एक पेन चाहिए। कॉफी स्टेन के आसपास ड्रॉ करेंगे। लो, मैंने कर दिखाया। जस्टिन, देखो। तुमने कुछ कहा? मैंने अपनी ड्राइंग पूरी कर ली। ये एक हॉट एयर बलून है। वाह, तुम भी कमाल हो बार्बी, ब्रावो। ये मेरा स्ट्रॉ नहीं है।
अरे हाँ, समझ गया। ड्रिंक को पेंट की तरह इस्तेमाल करेंगे, ये बहुत बढ़िया दिखेगा। पेंट के नीचे की तरफ आ जाएंगे, कितना अच्छा कलर है। उम्मीद है ये अच्छा ही बने, बढ़िया बनना चाहिए। यहाँ थोड़ा कलर कर देते हैं और ओवल्स पेंट करेंगे। हाँ, अच्छा ही लग रहा है, जैसा सोचा था वैसा ही बनने वाला है। पेज पर थोड़े पेटल्स लगा देंगे। अब अगले हिस्से की बारी, पेंट से कोनों को आउटलाइन कर देंगे, इससे उभर कर दिखेंगी। थोड़ी डिटेल्स भी बना देते हैं। अब ये बनता नजर आ रहा है, ये होंगे मेरे पेटल्स। मुझे तो बढ़िया लगा, कमाल है। हे बार्बी, बहुत चंदे। हाँ, जरा इसे देखो, मैंने सोचा और बना दिया। वाह, शानदार, हमने कमाल कर दिया। हाँ बिल्कुल, मैं बोर हो रहा हूँ, यहाँ करने के लिए कुछ तो होगा। हाँ, वो क्या है? क्या? कुछ नहीं। मुझे देखने दो। ओह, जरा ऊपर देखो। फूल? हाँ, ठीक है। ओह, मेरे पास एक आइडिया है, मुझे कुछ चाहिए होगा। टडा! यू, ये तो बहुत पुराने हो गए हैं, ये नहीं चलेंगे। जरा देखो। हाँ, मैं समझ गया। पेपर पर फ्लावर्स रखेंगे और इस तरह फैला देंगे। हमें ऐसा सर्कल बनाना है। अब इसके ऊपर प्लास्टिक फिल्म लगा देंगे और फिर उसे मारेंगे। येलो फ्लावर। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ क्या करना है। अब प्लास्टिक को निकाल देंगे, इतना सोचा था उससे भी अच्छा है। हे बार्बी, जरा इसे देखो, सुंदर है ना? वाह, मुझे पसंद आया। ये फ्लावर नहीं है। बस एक मिनट दो। बिल्कुल, आराम से करो। मुझे इस क्ले को पुश करना होगा। हाँ, तो चलो इसे कार्डबोर्ड के गोल पीस पर लगाएंगे। क्ले के अलग अलग कलर्स लगाते जाएंगे और लेयर्स बनाएंगे। अभी तक तो ये बढ़िया है। अब थोड़ी डिटेल्स बनाते हैं। मैंने व्हाइट क्ले की छोटी छोटी बॉल्स बना ली है। अब इसे आर्टवर्क पर लगा देंगे, वो भी लाइंस में। और ये बन गया। ये क्या टाई है, तुम्हें पसंद आए? वाह, लाजवाब। मैं खुश हूँ कि तुम्हें पसंद आया। मैडिसन, ये देखो, तुम्हें लॉलीपॉप पसंद है ना? पर इसमें से असली वाली बताओ। ओह, ये नहीं, बढ़िया चीज है ना? वाओ, कमाल है। आज के लेसन के लिए तैयार हो? बहुत मजा आने वाला है। मैं इंतजार नहीं कर सकती। ये रहा पहला वर्ड, मैं चाहूंगा कि तुम ये लिखो। चलो लिखो। ये आसान होगा। हाँ, ध्यान लगाकर। और हो गया, कैसा लगा? क्या, ये क्या है? चलो दोबारा ट्राई करते हैं। पहले आर लिखने की कोशिश करो। हाँ ठीक है, मैं ये कर सकती हूँ। ये हुई ना बात। ये कैसा है? ओह, मैं जानता था टीचिंग मेरे बस की नहीं है। रुको, यहाँ पर एक कोट स्टैंड ने मुझे एक आइडिया दिया, इससे सब बदल जाएगा। पहले हम आर बनाएंगे और उसमें शेड करेंगे। अब एक सुंदर सा फ्लावर बनाएंगे और फिर चेहरा। अब इसकी बॉडी। ये अच्छा लग रहा है, पर इसमें और कलर करना होगा। स्पेलिंग सीखने से बेहतर आर्ट क्लास है, मुझे ये अक्सर करना चाहिए। अब बारिश होते हुए दिखाएंगे। क्या तुम कोड की आउटलाइन बना सकती हो? वाओ, हाँ, मैं कोशिश करती हूँ, ये काफी आसान है। वो कमाल है, क्या आपने देखा? बहुत अच्छा काम किया, मैं जानता था तुम ये कर लोगी। और ये तुम्हारे लिए, तो तुम यही कर सकती हो। हाँ, रुको, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ जेरेड। आज के लेसन का समय हो गया क्लास, ये सब बकवास अभी के अभी बंद करो। तो हम शुरू करें। आज मैं चाहूंगा कि आप एक पिक्चर ड्रॉ करें। ओह, मजा आने वाला है। बोरिंग। मैडिसन क्या कर रही है? मैं कुछ सोच नहीं पा रहा, मतलब आर्ट पे फालतू की चीज है। चलो कुछ कर ही लेते हैं, इतने सारे पेंट है, किसे चुनूं? मुझे गुस्सा आ रहा है। जरा रुको, तुमने बना भी ली, चलो भी कुछ सोचो। मैं समझ गया, मैं अपनी चेन इस्तेमाल कर सकता हूँ।
पहले कैनवस पर व्हाइट पेंट कर देंगे, अलग अलग पोजीशन और एंगल्स पर ऐसे चेन्स लगाएंगे। अब कलर पेंट पेपर पर लगाते जाएंगे, कोनों पर अलग अलग कलर करते जाएं। अब इस मेटल रिंग से इस चेन को खींचेंगे और पेंट भी इस तरह घूमेगा और अनोखा सा पैटर्न बन जाएगा। हाँ, ये बहुत ही बढ़िया है, अब मेरी तारीफ कर सकते हो। ये किस बारे में बात कर रहे हो? वो ये बहुत कूल है, पर मेरा यूनिकॉर्न ज्यादा सुंदर है, आपको पता है ना? जेरेड, कलर्स को कितने अच्छे से इस्तेमाल किया है, मैं जानता था तुम में एक जीनियस छुपा है। मैं कोई बात नहीं मैडिसन, ये रहे तुम्हारे ग्रेड्स, मुझे यही सही लगता है। ब्रावो जेरेड, ब्रावो। पर मुझ में ज्यादा टैलेंट है। अब और नहीं, मेरे तरफ से बहुत सारा प्यार टीचर। इतना समय कहाँ लग रहा है, चलो भी जल्दी करो, मैं यहाँ पूरे दिन नहीं बैठी रह सकती। मैं आ रहा हूँ। उप्स, यहाँ पर दीवार है, गुदगुदी हो रही है। मुझे डेंटिस्ट ऑफिस बहुत पसंद है। जेरेड चुप हो जाओ। हाँ, आपने क्या कहा? ओह बस करो, हम यहाँ हर हफ्ते आ सकते हैं। जेरेड ये मत करो। ये क्या है, कितना सॉफ्ट और फ्लफी है, जैसे टेडी बेयर को हग कर कर लगता है, वैसा लग रहा है। ओह या, ये देखो। इतनी जल्दी नहीं, यहाँ बैठो, अब शरारत नहीं चलेगी, समझे? चलो कुछ ड्रॉ करें। मुझे ड्राइंग पसंद है। ये देखो स्वीटी, पहले एक पेज पर छोटे छोटे लाइंस बनाएंगे, अलग अलग कलर्स इस्तेमाल करेंगे, कुछ इस तरह सर्कल बना लेंगे। अब हर लाइन के ऊपर एक ब्लैक डॉट बनाएं। अब पतला वाला पेन लेकर छोटी छोटी लाइंस बनाएं। ऐसा लग रहा है ये बहुत सारे लोग हैं। इन सब के हाथ साथ जोड़ देंगे। पेंसिल से शैडोज बनाएंगे। और अच्छा इफेक्ट देने के लिए इसे रब करेंगे। तुम्हें कैसा लगा? अच्छा है ना? वाव, ये तो बहुत कूल है। अब तुम्हारी बारी हानी, इंतजार कराने के लिए माफी चाहता हूँ। ओह आप यहाँ हैं, आ जाइए। आओ जरा मुझे एक मिनट। कोई बात नहीं, मुझे जाना होगा। चलो स्वीटी। आराम से डैड। पर कॉन्टेस्ट है, मुझे इसे परफेक्ट बनाना है। तुम बहुत टैलेंटेड हो स्वीटी, पर चलो भी हमें जाना होगा, समय बीतता जा रहा है। मुझ पर प्रेशर मत डालो डैड, रुको। ओह नहीं मेरी प्यारी बच्ची। कोई बात नहीं, डैडी यहीं हैं। नहीं, मेरी ड्राइंग खराब हो गई, इसे देखो। हाँ ये तो सच में खराब हो गई। अब कॉन्टेस्ट का क्या होगा, टाइम क्या हुआ है? ओह सोचो, हम कुछ तो कर सकते हैं। मैं समझ गया, डैड तुम्हें बचा लेंगे। दोनों पेन लेकर एक पिक्चर बनाएंगे, ये बिल्कुल एक जैसी दिखेंगी। मैं नहीं जानता था मैं ये भी कर सकता हूँ। लो हो गया, बढ़िया है ना? वो बहुत अच्छा है डैड। अब जल्दी अंदर आओ। हाँ हाँ आपके साथ ही हूँ, यही हूँ। वाह विश्वास नहीं हो रहा। मैं जानता था तुम कर लोगी हनी, और ये सब मेरे कमाल के टैलेंट की वजह से हुआ। मैं अब अपना अगला मास्टरपीस बनाऊंगा, इतना पेंट काफी है, अब इसे फैला लेते हैं। हाय स्वीटी, नहाकर मजा आ गया। अब मैं अपने बाल सुखा लेती हूँ, बालों में हवा जाते हैं, मजा आ जाता है। शाला ला ला ला। हाँ? मॉम ध्यान से, मैं नई लुक ट्राई करती हूँ। हे ध्यान से, मुझे वो हैट पसंद है। ओह ये अच्छा लग रहा है। आपने मेरी पेंटिंग खराब कर दी, आपने ऐसा क्यों किया? आपको पता भी है आपने क्या किया? ये बेहतर है। ये सब आपकी गलती है, अब मैं क्या करूँगा? ओह स्वीटी मुझे माफ कर दो, मुझे पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगी, मेरे पास एक आइडिया है।
जरा ये देखो, कैनवस पर पहले एक्रेलिक पेंट डालेंगे, इसे सर्कल में डालेंगे, अलग अलग कलर्स इस्तेमाल करेंगे। अभी हेयर ड्रायर से इसे फैला लेंगे, इससे वेव पैटर्न मिलेगा, पेंट मिक्स हो जाएगा तो बहुत बढ़िया कुछ बनेगा। मॉम, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ मैं जानती हूँ डियर, पर हेयर ड्रायर के बिना ये नहीं हो सकता था। वाव, कमाल है, मैं इंस्पायर हो गया, मैं भी कुछ पेंट करूँगा। ये हुई ना बात। अभी रुको मॉम, मुझे ये चाहिए। कोई बात नहीं, तो आज बाल ऐसे ही लेकर जाने पड़ेंगे। इस केक को बेक होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, तब तक मैं सफाई कर लेती हूँ। मॉम मॉम देखो, हमें वेकेशन पर चलना चाहिए, जरा ये गोल्डन सैंड को तो देखो, आपको कैसा लगा? हाँ मैं भी जाना चाहती हूँ, बस एक चीज देख लूँ। पैसे कम है, फ्लाइट का खर्चा और रहने का भी। नहीं ये नहीं हो सकता जेरेड। ये गलत बात है। कोई बात नहीं, मैं इमेजिन कर लेता हूँ कि मैं ट्रॉपिकल आइलैंड पर हूँ। मुझे माफ कर दो हानी, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, शायद इससे तुम खुश हो जाओ। जरा ये देखो, ये बीच का शेल है। रुको, ये है तो सुंदर, पर मैं एक शेल से नहीं मानने वाला हूँ। मुझे लगा ये काम करेगा, अब मैं क्या करूँ, कुछ तो करना होगा। जरा रुको, शायद मैं एल्यूमिनियम फॉइल इस्तेमाल कर सकती हूँ। कैनवस पर पेंट लगाएंगे, अब फॉइल को इकट्ठा कर लेंगे, पेंट पर फॉइल को डैप करेंगे, इससे अच्छे से मिक्स हो जाएगा और एक टेक्सचर इफेक्ट मिलेगा। अब इस पर और डिटेल्स लगाएंगे, जैसे कि ये शेल्स, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बीच पर हैं, और पत्थरों से टकराती हुई लहरों की आवाजें आ रही हैं। जेरेड जरा इसे देखो, ये सुंदर है ना? वाव, इसे देखकर मुझे बीच की याद आ गई। बहुत अच्छा है मॉम, पर ये वेकेशन नहीं है, है ना? रुको, मेरे पास एक और आइडिया है, इसे सेल पर लगा देते हैं और अब इंतजार करना है। आहा, एक बुद्धू, मेरा मतलब है कस्टमर आया है। ये क्या हुआ, हम अमीर हो गए, इसका मतलब हम जा सकते हैं। हे भगवान, आज का दिन सबसे अच्छा है, अब सबसे अच्छी हो मॉम। मेरे लिए रुको, आपको घर जाकर पेंटिंग करनी शुरू कर देनी चाहिए, मैं हमारा अगला वेकी प्लान कर रहा हूँ। उम्मीद है ये चैलेंज देखकर आपको भी खुद का आर्ट बनाने का मन कर गया हो। आपके हिसाब से किसने ज्यादा बेहतर किया, हमें कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ऐसी ही और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।